एवरी वन गुड मॉनिंग एंड वेलकम टू आर अकेडमी अच्छा बड़ा चैप्टर है जितना पोस्टन आज हम कर पाएंगे उतना करेंगे और सेकंड पार्टिस का मैं करके राहूंगी क्योंकि देखो जल्दी का काम शैतान का है, है ना हम शैतान नहीं है हमें बड़े आराम से पढ़ना है स्पेशली जेनेटिक्स बहुत से से चैप्टर ऐसे हैं हैं बेटा जो वन शॉट में बड़े प्यार से हो जाते हैं और बड़े ईजिली uh, हो जाते हैं आपने भी काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है बट पॉइंट इज ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे चैप्टर्स नहीं है. है ना हमें जेनेटिक्स को प्रॉपरली अच्छे से प्रिपेयर करना है नहीं तो हो जाएगी गड़बड़ क्वेश्चन यहाँ से काफी सारे हैं uh, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा समझना पड़ेगा तो एज यूजल जैसा हम क्लास में करते हैं आज हम NCRT रीडिंग के साथ, के साथ 2012 तक करेंगे तीन बजे आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा लिंक बजे स्पेशल क्लास है जिसमें मैं कराऊंगी 2012 से पहले वाले क्वेश्चन अब ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको देख के घबराहट हो रही है हो सकता है आपको लग रहा हो आउट ऑफ एनसीआरटी है हो सकता है आपको लग रहा हो कि आ, ये तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं या इसको सॉल्व कैसे करना है आउट ऑफ एनसीआरटी तो मैं बताऊंगी कि ये वाला क्वेश्चन आप पी क्यू छोड़ सकते हो ये अब सिलेबस में नहीं है ठीक है तो ये तीन बजे वाली क्लास में हो रहा है क्योंकि 2012 तक आए हुए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उससे पहले वाले क्वेश्चन 2012 से पहले आए हुए क्वेश्चन उनमें से कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं कौन से आप सिलेबस में नहीं है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तीन बजे ऑन स्पेशल क्लास ओके लेट्स गेट स्टार्टेड बुलाओ बेटा सबको जल्दी से सारे आ जाए एंड वी आर गेटिंग स्टार्टिंग वी टू सेशन आप लोग प्लस और आइकॉनिक दोनों में से किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो विच एवर सब्सक्रिप्शन यू वॉन्ट यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन बाई यूजिंग इंग लाइफ कोड ठीक है कोमल लाइव कोड आप कर सकते हो यूज के -E दोनों में ही डिटेल दोनों में ही डाउट क्लियरिंग लेकिन आइकॉनिक में आपको एक एडिशनल हैं जो टाइम टेबल मैनेजमेंट और इन सब चीजों में आपकी मदद करेंगे ठीक है हमारी क्लासेस होती है स्पेशल पे आज क्लास है तीन बजे स्पेशल पे तीन बजे ही क्लास होती है थ्री पीएम जिसमें हम पीवाई क्यू सीरीज कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब टाइम है प्रीवियस ईयर को देखने का अब टाइम है एनसीआरटी को पढ़ने का इससे पहले आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैंने नहीं कराया उस टाइम पीवाई क्योंकि वो टाइम नहीं था पीवाई का वो टाइम था डिटेल में चैप्टर्स को पढ़ने का समझने का कॉन्सेप्ट अब टाइम है एनसीआरटी और पीवाईक्यूज़ क्यूज का एम्स पी क्यू भी मैं आपको कराऊंगी बट अगेन एक बारी स्टेजेस है है ना हम पहले ही सेवन्थ लेवल या एट्थ लेवल पे नहीं खेल सकते आप सीधा ही ओलंपिक्स में जाके गोल्ड के लिए नहीं लड़ सकते यू हैव टू गो फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट टू नेशनल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल स्टेजेस होते हैं तो डिटेल में टॉपिक को पढ़ रहे हो फिर एनसीआर टी पी कर रहे हो फिर आप एम्स को के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे एंड देन यू आर रेडी फॉर योर नीट एग्जामिनेशन तो ये सारे स्टेजेस में हम चलेंगे कोई जल्दबाजी नहीं अगेन याद दिला दू जल्दी का काम शैतान का है शैतान का काम नहीं करना है ठीक है प्लस प्लस का सेशन हमारा होगा बजे। बजे अब बजे पे दोनों स्टार्ट कर दिए गए हैं फ्लॉरिंग प्लांट्स को डिटेल में करा रही हूं मैं पांच बजे अभी और फिर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाला बैच ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाला बैच में आपको दिखा देती हूँ ये है हमारा ट्वेंटी फोर का बैचा तारीख से शुरू होगा मेरे क्लासेस तारीख से स्टार्ट होंगे बेटा लेकिन दोनों के लिए ही आप कोड यूज कर सकते हो कोमल लाइव के ओ एम ए एल एल आई वीई लाइव यू कैन यूज दिस कोड एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं आप लोग कॉल कर सकते हो नंबर पे सेम कोमल लाइव कोड आप यूज कर सकते हो फॉर अवेलिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बो ऑफर्स इसमें नए बैचेज एंड एक टेस्ट सीरीज आई है जिसको आप एनरोल कर सकते हो अगेन कोमल लाइव के ओ एम एल एल आई वीई लाइव यूज कर लो इस कोड को एंड गेट योर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट टेन परसेंट मिल जाएगा इस पे यू कैन गो हेड बारह जून से शुरू हो रहा है नया चैनल आ रहा है अन अकेडमी का जिसको आप एनरोल कर सकते हो बिगिनर्स एंड लेट्स गेट विद सेशन चलिए टी की तैयारी एनसीआर सबके पास बुक खुली हुई होनी चाहिए सामने जल्दी से एन की किताब सामने खुली होनी चाहिए और जो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ उसको लिखते चलोगे साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल की तरह जैसे हमने किया था पीवाई क्यू साथ के साथ देखते चलेंगे कहाँ क्या क्वेश्चन बन रहा है किस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं क्या ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है और कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं तो चांसेस है उनके रिपीटेशन के भी रिपी और किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है ठीक है नकल एलिफेंट हो की elephant हो elephant क्यों होता है और वाई एमगोड प्रोड्यूस ऑफ फॉर्मली मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट जस्ट

चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टडी ऑफ जेनेटिक्स स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स यही उसका डेफिनेशन भी है इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इनहेरिटेंस किस कहते हैं जब पेरेंट्स है आपके पास कोई कैरेक्टर इनहेरिट हुआ ठीक है इट इज द बेसिस ऑफ हेरिटिटी वॉट इज द बेसिस ऑफ हेरिटिटी इनहेरिटेंस

शन हमने क्रोसेस कराना शुरू किया एग्रीकल्चर शुरू हुआ डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं पता था कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से एक नया वेरिएशन बनता है दे एक्सप्लोइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो कि नेचुरली प्रेजेंट था उसको यूज किया गया वॉज देअर प्रेजेंट प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन

जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था मटर का आज की डेट में हम हरा मटर खाते हैं मटर आपको पता है हरा क्यों खा रहे हो और वो जो रिसेसिव कैरेक्टर है हरा मटर इसलिए हम खा रहे हैं और इसलिए हमें पसंद है क्योंकि हमारे पड़ 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 -ड़ -ड़ पड़ 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 दादा को हरा मटर पसंद था ठीक है तो जब कल्टिवेशन हुई ना तो बार 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 किसका सिलेक्शन किया हमने हरे मटर का उसी को कल्टिवेट किया उसी को बनाया उसी को कल्टिवेट किया उसी को बनाया तो आज की डेट में ज्यादा दिखाई देता है और हम खाते भी वही हैं ठीक है तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन आप आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर रहे हो कुछ ट्रेड्स को कुछ टाइप के प्लांट्स को और डोमेस्टिकेशन उन्हीं को बार बार ग्रो कर रहे हो सो दैट गोज बार बार उन्हीं का अपियरेंस है ना नेचुरल सिलेक्शन नहीं हम हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन पे चले गए हैं जैसे अभी फिलहाल आर्टिफिशियल सिलेक्शन किस चीज का चल रहा है पांच दिन में नीट छह दिन में नीट दस दिन में नीट कैसे क्लियर करें तो तुम सेलेक्ट भी कर रहे हो तो क्या बढ़ेगा क्या डोमेस्टिकेट कर रहे हो तुम पढ़ाई वाले वीडियोस नहीं प्लानिंग वाले वीडियोस ठीक है फॉर एग्जांपल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काओ वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स साहिवाल काओ इन पंजाब सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है ये हमारे पास काओ ठीक है साहिवाल काओ इन पंजाब वी मस्ट हाउ एवर रिकोगनाइज दैट दो आर एंसेस्टर्स न्यू हमारे एंसेस्टर्स को पता था अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन लेकिन एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है वो नहीं पता आज की डेट में तुम मेंडल अंकल को जानते हो तुम मॉर्गन अंकल को जानते हो तुम कैरेक्टर जानते हो सब कहानी आगे पीछे की जानते हो ये सब कुछ तुम जानते हो मगर अगर मगर उनको नहीं पता थे मेंडल अंकल ना सो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर वेरिएशन दे हैड वेरी लिटल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस ये कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है वो नहीं पता था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एज वेल 2017 का क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज द पीरियड ऑफ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इधर आ जाओ

तुम्हारे दिमाग की एंजाइटी, तुम्हारे दिमाग का टेंशन तुम्हारे हे भगवान क्या होगा ये वाली जितनी भी प्रॉब्लम है ये सारी आज मेरे सेशन अटेंड करते रहो प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी यू विल रियलाइज नॉट जस्ट बायो पढ़ने का तरीका ठीक है आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है टीचर आपको पढ़ने का तरीका बताता है टीचर आपके साथ ऐसा हो गया जितने बच्चे यहाँ रेगुलरली आ रहे मैं बता रही हूँ मैंने पहले भी बोली ये बात इतनी बार मेरे से चीजें एक ही तरीके से सुन सुन के सुन सुन के आप दिमाग में क्या हो गया छोटा मिनी कोमल मैम्स ठीक है तो तुम लोग हो गए मिनी कोमल मैम्स पढ़ने का तरीका भी मेरे पढ़ाने के तरीके जैसा हो जाएगा सो दैट इज वॉट वी वॉन्ट ठीक है आपको फिर ये नहीं पूछना पड़ेगा किसी से जागे यार कैसे पढ़ू कैसे शॉर्ट नोट बनाओ कैसे क्या बनाओ अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो आपको यह प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी दैट यू हैव टू आस्क समी कि नोट्स कैसे बनाते हैं यार यार एनसीआर कैसे पढ़ू ये क्या करूं वो क्या करूं आपको खुद दिखने लगेगा रास्ता क्योंकि आप रोज देख रहे हो एक इंसान को ये काम करते हुए ठीक है यू विल ऑटोमेटिकली फॉलो इन टू द ट्रैप ऑफ दैट नाउ प्रपोज द Uh, his experiment and he proposed the law of inheritance in living organisms during Mendel's investigations. unhone जो पढ़ाई करी इन टू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, it was the first time that statistical analysis and mathematical logics were applied to the problems of biology. बायो Bio को सॉल्व करने के लिए कुछ मैथमैटिकल और स्टाटिस्टिकल एनालिसिस को यूज किया गया, ठीक है? His experiments had a large sampling size. ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट. Large sampling size. एक बहुत बड़ा रीजन था उनके रिजल्ट के क्रेडिबिलिटी का सही रिजल्ट है ये अच्छे से पता चला है ना नाउ विच गेव ग्रेट क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड द कन्फर्मेशन ऑफ हिज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ द टेस्ट प्लांट ओ माई गॉड इतने बड़े शब्द ठीक है अब देखो हो चुका है बेटा कौन है पूछे था बेटा आधा जागो आधा सो है ना उल्लू से मैं मिल ना पाऊं जब वो जागे मैं सो जाऊं कभी एक फोर्थ फिफ्थ क्लास में एक पोएम हुआ करते थे है ना अब फंगस मैं समझ ना पाऊं क्योंकि जहां क्लास हो मैं दूसरी क्लास में चला जाऊँ फंगस की क्लास कल रात स्पेशल क्लास पे हो चुकी है जिसके बारे में बताया भी था कल की क्लास में अब नहीं आओगे तो मैं क्या करूँ तुम्हारे घर आके चिट्ठी भी आर भेजूँ तुम लोगों को मैं अच्छा यहाँ पे आओ ये वर्ड बहुत सारे बड़े बड़े आ गए बड़े बड़े वर्ड्स क्या हैं ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंस जो कन्फर्मेशन चाहिए थी उनके रिजल्ट की फ्राम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सक्सेसिव जनरेशन ऑफ इज टेस्ट प्लांट्स जो उन्होंने क्रॉस कराए वो वापस रिपीटेबल रिजल्ट है ठीक है प्रूफ दैट हेज रिजल्ट पॉइंटेड टू अनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंसर जस्ट बींग एन अनसबस्टानशियल सबस्टांशिएटेड आइडिया बार 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 वही एक्सपेरिमेंट करने से सेम रिजल्ट आ रहा है आप किसी पर्टिकुलर टेस्ट को रिपीट कर सकते हो और सेम रिजल्ट ला सकते हो ये एक फुल प्रूफ चीज होती है कि बाई चांस नहीं आया है आपके पास रेशियो यही आएगा रेशियो ठीक है तो दैट इज द बेसिक लॉ बिहाइंड इट मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेड दो लिए गए जैसे टॉल येलो ग्रीन सीड्स दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस व्हिच वाज एक्सपैंडेड ऑन बाय द लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल नैचुरलेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन सीन देखो ये पूरा पैराग्राफ आपको ये कह रहा है मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो रिपीट हो सकते थे बार बार सेम रिजल्ट आया तो कोई एक जनरल पैटर्न होगा पीछे मेंडल का काम जो था जो मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जितने भी हमारे पास लॉज है अगर आप उसको आज के डेट में लगाने जाओगे हर एक चीज पे नहीं लगा पाओगे ठीक है लेकिन जैसे आप अगर आप बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे आ जाते हो ये नहीं होता तो हम बाकी कुछ भी नहीं समझ पाते सो दिस इज लाइक द फाउंडेशन इसलिए चैप्टर की शुरुआत भी मेंडेलियन जेनेटिक्स से की जाती है और जब चैप्टर खत्म होता है तो जाते जाते आप क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पर पहुंच जाते हो हाउ डिड यू स्टार्ट आप बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किए एक कोर फ्रेमवर्क के साथ स्टार्ट किए और फिर उसमें क्या, क्या 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 अलग हो सकता है वो करते हुए आप डाइवर्सिफाई होते चले गए इज इन दैट राइट यही चीज जेनेटिक्स में भी हुआ पहले हमें मेंडल का काम मिला उस पर हमने एक नॉर्मल फ्रेमवर्क बनाया फिर देखा कि नहीं इस पॉइंट से ऐसे भी डिवेट होता है यह भी एक्सेप्शन आता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है सब कुछ अलग अलग रास्ते निकल गया दैट इज इंपॉर्टेंट मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑफ पी ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑफ पी मतलब प्योर होमोजाइगिस है ना वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है जब तक आप बर्ड खोलोगे उससे पहले उसमें पॉलिनेशन हो चुका होता है क्लेस्टोगेमस नहीं है। क्लेस्टोगेमस फ्लावर कभी नहीं खिलता मटर का फूल पॉलिनेशन करा चुका तो फूलिनेशन इसलिए तो तो आपको याद होगा हमने स्पेशल क्लास पे देखो बेटा ये वाला यूट्यूब क्लास और स्पेशल क्लास वाली जो मैं क्लास लेती हूँ कॉम्बिनेशन अगर आप एक भी मिस कर रहे हो तो गड़बड़ होगी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे और मैं नहीं चाहती लास्ट मोमेंट पे इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस रह जाए ठीक है इट इज़ अ कॉम्बो अगर आप सुबह नहीं देख पाते हो तो शाम को देखें शाम को नहीं देख पाते हो सुबह देखो मुझे नहीं पता कब देखना है लेकिन एक महीने का डेडिकेशन चाहती हूँ एक, एक मिनट भी तुम्हारा वेस्ट नहीं करूंगी टू द पॉइंट पढ़ाती हूँ मैं और टू द पॉइंट ही पढ़ाऊंगी कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा एक सेकेंड का भी ठीक है कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे क्लास से

वाइंग। तीन क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से मिला तीन क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से क्वेश्चन नंबर वन अब मैं क्वेश्चन का आंसर अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन नंबर वन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स वाज़ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कितने पढ़े गए चौदह चार दो सात रेक्टर्स हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात हो रही है बेटा. तो आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की मतलब बात हो गई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट टोटल कितने आ जाएंगे फोर्टीन वन 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 फोर्टीन अब देखो कब आप सात सेलेक्ट करोगे कब आप सेवन बोलोगे बेटा और कब आप फोर्टीन बोलोगे यू विल गो विथ फोर्टीन ईयर आप सेवन तब बोलोगे जब वो पेयर बोले आपको जब वो पेर बोलेगा तब आप सेवन बोलोगे ठीक है कॉन्ट्रास्टिंग पेर्स तो पेयर हो जाएंगे सात और वैसे कितने के एक्टर्स पड़े आपने चौदह हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी वराइटीज डिड मंडल सेलेक्ट एज पे ट्रू ब्रीडिंग

अलग अलग पेपर में सत्रह में भी सॉरी सितंबर एंड अक्टूबर ठीक है तीन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ नाउ इधर से आ रहा है कुछ एक और क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वॉज नॉट कंसिडर्ड बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ऐसा लगता है पता नहीं जेनेटिक्स में हमसे पीएचडी कराएंगे या हमसे क्या सवाल पूछ लेंगे आप नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हो आप नेट एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो नेट एग्जामिनेशन इज टू बिकम अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज यू आर नॉट गिविंग दैट पेपर आप प्रोफेसर नहीं बनने जा रहे हो आप पीएचडी करने नहीं जा रहे हो आप क्या कर रहे हो आप नीट का पेपर दे रहे हो जिसमें आपको ध्यान देना है किस टाइप का क्वेश्चन आया ठीक है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आते हैं ओके okay, इससे क्वेश्चन आते हैं अब यहां देखो अमंग विच ऑफ वॉज नॉट कंसिडर्ड कौन सा कैरेक्टर नहीं कंसिडर किया गया स्टेम का लेंथ कंसिडर किया गया है ट्राइकोम नहीं कंसिडर किया गया ठीक है कौन सा रिसेसिव कौन सा डोमिनेंट ये ये दोनों करेक्ट आंसर बी दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल आप मान के चलो ऑलमोस्ट हर साल या हर ऑल्टरनेट साल इस टेबल से क्वेश्चन है ठीक है तो ज्यादा पीएचडी नहीं कर ज़्यादा खोपड़ी नहीं चलानी इसको याद कर लेना अब जो कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं आपको ठीक है ये सारे डोमिनेंट है और इधर वाले सारे रिसेसिव पोजिशन डोमिनेंट टर्मिनल रिसेसिव ठीक है इनफ्लेटेड पॉड डोमिनेंट कंस्ट्रक्टेड रिसेसिव ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट येलो रिसेसिव सीड राउंड डोमिनेंट सीड रिंकल रिसेसिव सीड येलो इन कलर डोमिनेंट ग्रीन रिसेसिव ठीक है इतनी सी बात है एक और क्वेश्चन ले लो इसी बात पे इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पाइसम और पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज लाओ जी आंसर बोलो सीड कलर सीड कलर पॉड लेंथ सीड शेप फ्लावर पोजिशन देख रहे हो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं तुम अपने आपको क्यों बिना मतलब बोले जा रहे हो जेनेटिक्स नहीं आता मक्खन है ये चैप्टर मक्खन गुड पॉड लेंथ की कहीं बात नहीं करी गई पॉड का कलर और शेप बोला गया है पॉड लेंथ की कहीं बात नहीं करी गई ठीक है ओके नेक्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मोनो हाइब्रिड क्रॉस अब जैसे मैंने मेरी क्लास जिन बच्चों ने अटेंड करी होगी वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैंने ये बात बार बार बोली है कि जेनेटिक्स में सिर्फ अगर कुछ है आपके लेवल पे यहाँ पे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ आया तो जेनेटिक्स समझ में आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं समझ में आया तो जेनेटिक्स नहीं समझ में आया और अगर जेनेटिक्स नहीं समझ आया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं समझ आया है तुमको पूरे जेनेटिक्स पे मत चिपकाओ हमें जेनेटिक्स नहीं आता तुम्हें जेनेटिक्स आता है समझ आता है तुम्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की क्लैरिटी नहीं है

टू जेनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड उसने बोला आपके पास उसने एक प्लांट ले लिया है और एक जनरेशन आई तो सारी टॉल ठीक है फीलियर वन जनरेशन तो जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास आ रही है उसको बोल रहे हैं हम एफ वन एफ स्टैंड फॉर फेलियर

he found that the F1 was always resembling either of the parents. जो भी आप दो contrasting characters ले रहे हो, उसमें से किसी एक को resemble कर रहा है F1 generation, दोनों को नहीं, ठीक है? F1 always resembled either of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them. F1 one में एक का दिखेगा character, दूसरे का नहीं दिखेगा, ठीक है? Simple सी बात बोले। Now Mendel self pollinated the tall of F one. Self pollinated the tall of F one. ठीक है एंड टू सरप्राइज फाउंड दैट एफ टू जनरेशन फेलियर टू जनरेशन सम ऑफ सम्स वर्ड तो जब दो पेरेंट लिए थे उसमें से जनरेशन में तो एक दिखता है एक बिल्कुल नहीं दिखता F2 के अंदर वापस से थोड़े अमाउंट में दूसरा वाला दिखता है जो फर्स्ट में मिसिंग था एफ में जो मिसिंग था वो एफ में स्मॉल अमाउंट्स में दिखाई देने लगा द कैरेक्टर कैरेक्टर दैट वॉज नॉट सीन इन दफ वन जनरेशन वॉज नाउ एक्सप्रेस अब दिखा वापस

टॉल जो टॉल है वो पेरेंट जैसा टॉल है जो डोफ है वो डुअफ है वो जो पेरेंट जैसा डोफ है ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि मेरे को इंटरमीडिएट मिल जाए या छोटे हाइट में भी बहुत छोटी हाइट आ जाए या टॉल में भी बहुत टॉल आ जाए नहीं द टॉल इज आइडेंटिकल टू द टॉल पेरेंट द स्मॉल और द डुआफ इज आइडेंटिकल टू द डऑफ पेरेंट उसके जैसा है तो इधर झोल नहीं है कुछ कोई मिक्सिंग नहीं हुआ कुछ ब्लेंडिंग नहीं हुआ कोई इंटरमीडिएट हाइट नहीं बना कोई बहुत ज्यादा डुआफ नहीं बना कोई बहुत ज्यादा टॉल नहीं बना

वाया ठीक है ओवर सक्सेसिव जनरेशन ही कॉल दीज थिंग्स एज फैक्टर्स मेंटल ने इनको फैक्टर बुलाया हम आज की डेट में इनको जीन बुलाते हैं ओके नाउ वी कॉल देम जींस जीन्स जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस सीधी लाइन है कोई दिमाग में खोपड़ी में कुछ ट्विस्ट नहीं आना चाहिए सीधा जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस अर्टिकुलर ट्रेट किसी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो इस छोटे से टुकड़े में है डी एन ए के दैट इज कॉल्ड जीन ठीक है ऑफ एन ऑर्गैनिज्म जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज देफर स्लाइटली फ्रॉम इचर बेसिकली थोड़ा सा चेंज जब मैं आपको बोलू कलर कलर इज द जीन बट कलर के कितने वेरिएशन हो सकते हैं रेड पिंक ब्लू पर्पल ऑरेंज येलो ये सारे क्या हो गए वेरिएशन है तो सारे कलर ही आप इसको कलर भी बोल सकते हो आप उसको ब्लैक भी बोल सकते हो आप उसको कलर भी बोल सकते हो आप उसको पिंक भी बोल सकते हो आप उसको कलर भी बोल सकते हो आप उसको येलो भी बोल सकते हो है ना तो जब हम एलील बोलते हैं तो हम एक टाइप का कलर बोल रहे हैं हम एक टाइप का वेरिएंट बोल रहे हैं Of genes are called as genetic level पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं. A slight change in the genetic composition, एक दो तीन कुछ number of nucleotides का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं एक बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने पढ़ा है एनीमिया सिकल सेल एनीमिया से में जो नॉर्मल जीन है जो नॉर्मल एलिन है वो एच बी ए है ना बीटा ग्लोबिन चेन का एच बी ए नॉर्मल है जी है जी वहीं पे जी जी हो जाता है एक न्यूक्लियोटाइड का हेयर फेर और सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा सो दैट इज द सेकेंड वेरियंट वेरिएशन इन द जीन पूरा सीक्वेंस सेम है बस एक न्यूक्लियोटाइड एक पॉइंट म्यूटेशन एक गड़बड़ इसकी जगह दूसरा बन गया एलियन सो वेरियंस ऑफ द जीन आर कॉल्ड एज एलियंस इफ वी यूज आल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन देन द कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द ट्रेड एक्सप्रेस एट द एफ वन स्टेज एफ एन में दिख रहा था आपको उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर द्रेट फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ हाइट कैपिटल टी इज यूज फॉर टॉल ट्रेड एंड स्मॉल टी इज फॉर डूफ एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर ऑफ अदर एक दूसरे के वेरियंट है? है ना एक दूसरे के वेरियंट ऐसे प्रेजेंट हैं हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलियस ऑफ हाइट वुड कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल एंड स्मॉल टी बिकॉज हमारे पास हर एक क्रोमोजोम की दो कॉपी है और हर जीन का लोकेशन फिक्स है विद दैट इज कॉल्ड एज लोकस हर जीन आपको एक ही जगह पर मिलेगी अब क्योंकि हमारे पास पेर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं तो आपको हर एक जीन के दो लोकेशन मिलेंगे दिस वुड हैव कैपिटल कैपिटल टी ऑन बोथ एक पे टी एक पे स्मॉल हो सकता है या स्मॉल टी टी हो सकता है इन तीन कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा नेक्स्ट मेंडल आल्सो प्रपोज्ड दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ पीप वैरायटी द एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस क्या बोला उन्होंने उन्होंने बोला कि अगर हम प्योर ब्रीडिंग की बात करते हैं ठीक है ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइंस तो उसमें आइडेंटिकल होता है कैपिटल टी कैपिटल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस और प्योर और ट्रू ब्रीडिंग ठीक है रिस्पेक्टिवली कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी आर कॉल्ड जीनोटाइप ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वाई इन द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स कैपिटल टी कैपिटल टी के लिए आप टॉल बोल रहे हो स्मॉल टी स्मॉल टी के लिए आप डॉफ बोल रहे हो तो टॉल एंड डु आर द फिनोटाइप द फिजिकल appearance the physical expression the physical expression of that particular trait what would then be possible what would be the phenotype of the plant that has capital t small t iska kya hoga phenotype tall iska kya hoga phenotype tall theek as mendel found that the phenotype of the f1 the heterozygote this would be exactly as this बोले कैपिटल टी कैपिटल हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो प्योर लाइन हो या हेट्रोजाइगस हो ये वाले को आप क्या बोलते हो बेटा दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस है ना आप इसको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी बोल सकते हो आप इसको हाइब्रिड भी बोल सकते हो आप इसको इम्प्योर भी बोल सकते हो वो कह रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी हो चाहे कैपिटल टी टी कैपिटल हो फिनोटाइप में डिफरेंस नहीं आता तो आता है ठीक है तो जब ऐसी कॉम्बिनेशन आ जाती है ना तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे डोमिनेंट हो जाता है ठीक है एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट फैक्टर While the other is as जो हावी हो रहा है जिसका एक्सप्रेशन ज्यादा दिखाई दे रहा, आपको, जिसका दिखा दे रहा आपको, वो है character trait pairs. जितने भी character trait के pairs उन्होंने लिए That he सब में similar condition आपको दिखाई दे रही है काफी सिमिलर एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ये सारी चीजें हम नॉर्मल से एक मोनोहाइब्रेड क्रॉस में बनाते हुए निकल जाते हैं एनसीआरटी में मुझसे बेट लगा लो नाइनटी परसेंट बच्चा जो यहाँ बैठा है उसमें से हंड्रेड परसेंट जो बैठा है जो ये बच्चा उसमें से एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट इस पार्ट को स्कीप मारता हुआ पढ़ने की ही हिम्मत नहीं है बोले ओ माई गोड इतना सारा कैपिटल बोल्ड कैटेलिक्स और ये सब है इसमें इसमें वन इज टू टू फोर फाइव क्या लिखा है स्किप मार दियो हो खा लो को सब कोई पढ़ाएगा नहीं तो पढ़ेंगे नहीं है ना ए जेनेटिक्स स्किप ए, कुछ नहीं आता अरे क्या प्रॉब्लम है अंग्रेजी ही तो है क्या हो जाएगा ना, हाँ है दो चार तो मिलेंगे पक्का मिलेगा मिलेंगे मिलेंगे और पता है जो जो, एट फॉल्ट होता है ना वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता है मेजोरिटी टाइम्स बोले कौन पढ़ेगा यार कोई पढ़ा दे तो ठीक है छोड़ो पढ़ के देख रहे हो तो पता चल रहा है अरे वही तो बोल रहा है जो लिखा था ओ माई गॉड सच न्यू थिंग सचिंग बेटा कोमल मैम मेंडल से ऊपर नहीं है और कोमल मैम एनसीआरटी से ऊपर नहीं है और कोई नहीं है इन दोनों से ऊपर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आप ना कोमल मैम ना एनसीईआरटी से ऊपर ना कोई और टीचर ना कोई मेंडल से ऊपर ना कोमल मैम ठीक है तो अगर आपने नोट्स पढ़े हैं और एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है बहुत गलत कर रहे हो इसका मतलब मेरे स्टूडेंट नहीं हो क्योंकि तो किसी हाल में नहीं छोड़ोगे एनसीईआरटी अगर तुमने मेरे से पढ़ा है तो ये काम नहीं करते इट इज कन्वीनियंट कन्वीनियंट ईजी है एंड लॉजिकल कन्वीनियंट भी है लॉजिकल भी है

अकेला, T, कुछ नहीं है अकेला स्मॉल टी कुछ नहीं है अलग अलग चीजों को मिला के है ना हाइब्रिड तभी बोल सकते हो अकेले कैपिटल टी को तुम क्या हाइब्रिड बोल रहे हो भे? अकेला कैपिटल टी इज नाइटर डोम रिसेसिव अपने आप से काय का डोमिनेस और का रिसेसिवनेस अकेले में कुछ नहीं है इट इज इन अ कॉम्बिनेशन इन अर दैट यू रियलाइज ओ ये तो हाइब्रिड बन गया ओ oh, ये तो सेम है प्योर लाइन है तो so, जब आप मोनो हाइब्रिड बोलते हो तो यू लुक फॉर अ हाइब्रिड कंडीशन यू लुक फॉर हेट्रोजाइगोट्स ठीक है ना एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इनके बीच में क्रॉस कराओगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ठीक है फ्रॉम दॉम दबजर्वेशन दट द रिसेसिट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लाइंडिंग इन दू वो बोला ये हमें ऑब्जर्वेशन मिली थी कि एफ टू में रिसेसिव वाला जो डॉफ है वो एज इट इज आता है उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता ठीक है एफ टू जनरेशन वी कैन इन्फर दैट वेन द टॉल एंड द डॉफ प्लांट प्रोड्यूस गेमीट्स बाई द प्रोसेस ऑफ मियोसिस द दिन ऑफ द पेरेंट पेरेंटल पेयर सेपरेट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलिन इज ट्रांसमिटेड टू द जीन क्या बोला ये ये बोला कि जब ये महाशय के बनाएंगे और ये महाशय के बनाएंगे मियोसिस से तो इसके गेमीट ऐसे बनेंगे और इसके गेमीट ऐसे बनेंगे इस टाइम पे कोई कॉम्बिनेशन कोई खिचड़ी नहीं बन रही ठीक है कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कुछ इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन इट इज नॉट गेटिंग ब्लेंडेड एल डू नॉट मिक्सअप सारे के सारे एलिज एग्जैक्टली exactly अलग अलग जाएंगे देर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर हेयर इज नो एक्सचेंज दिसल्स इन अ रैंडम प्रोसेस एंड सो देर इज अ फिफ्टी परसेंट चांस ऑफ अ गेमीट कंटेनिंग आईदर ऑफ द एलील एज वी कैन वी बीन वेरीफाइड बाई द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग क्या कह रहा है अगर कैपिटल टी स्म टी हो तो एक एलील ये बनेगा एक गेमीट ये बनेगा अब पचास पचास परसेंट चांस है कि कौन सा वाला आ जाएगा मीट ठीक है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस इक्वल पॉसिबिलिटी इन दिस वे द दमीट्स ऑफ द टॉल कैपिटल टी कैपिटल टी प्लांट हैव द एलियन कैपिटल टी एंड द गेमीट ऑफ द डो ऑफ प्लांट हैव स्मॉल टी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू गेमीट्स कैपिटल टी फ्रॉम वन प्लांट से थ्रू द पोलन मान लो पोलन से आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अदर प्लांट देन थ्रू द एग अगर वो पोलन से आया तो ये येग से आया होगा are united to produce zygotes that have capital T allele and one small t allele in dono ko cross kara ke, ye ke capital t and small t in other words the hybrids have capital t small t heterozygous condition since these hybrids contain alleles which express contrasting traits the parents are uh, the plants are called as heterozygotes or heterozygous in nature Heterozygous condition निकल के आती है, ठीक है आ आ रहे हैं? ध्यान देना. Questions आ रहे हैं, हैं, ध्यान ध्यान देना. देना. पे. ठीक है? द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट बाई द प्लांट प्लांट जो पेरेंट आपका गेमीट बना रहा है द फॉर्मेशन ऑफ दू पेरेंट्स कैन बी अंडरस्टूड बाय अ डायग्राम कॉल्ड एज पन स्क्वायर मेंडल अंकल के पास नहीं था बाद में आया ये पिक्चर में बट बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आया और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टिडिंग टिडिंग आई थिंक टिडिंग अगेन थ्री टिडिंग्स, ठीक है ये बहुत फेवरेट पन स्क्वायर पे क्वेश्चन देखो इधर द प्रोडक्शन ऑफ पेरेंट फॉर्मेशन ऑफ जाए गॉड द एफ वन एंड एफ टू पेरेंट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम डायग्राम कॉल्ड एग्जैक्ट लाइन नहीं है ये सीधी सीधी पूरी की पूरी सेम लाइन का क्वेश्चन उठा के बना दिए आंसर क्या होएगा बुलेट स्क्वायर जो तुमने नहीं पढ़ा है पंच स्क्वायर तुमने नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ पनेट स्क्वायर हाँ नेट स्क्वायर नहीं इससे आसान सवाल हो नहीं सकता जेनेटिक्स आता है अब पीवाई क्यू देखो आ रहा ना जेनेटिक्स अभी तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्या नहीं आता तुमको जबरदस्ती हवा में जाके यहाँ हाँ, हाँ, हाँ भाग रहे हो आंसर पनेट स्क्वायर

देख रहे हो क्वेश्चन लोग अब लोग क्या करते हैं चलो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है एक्चुअली दिस इज अ क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना बेटा ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन का एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है ठीक यहाँ पे एक बार देख लेते हैं

2018 में जब ये क्वेश्चन मैंने नीट का देखा तब मेरे दिमाग एक दिमाग में बत्ती जली उसके बाद मैंने लोगों को बोलना शुरू किया बेटा अगर साइंटिस्ट का नाम और उसका ओरिजिन एनसीआरटी में दिया है तो आंसर करो और उसको याद करो तो ये काम करना पड़ेगा ठीक है ये आंसर ठीक है ब्रिटिश साइंटिस्ट ठीक है फ्रेंक फ्रेंकलिन स्टाल द टर्म लिंकेज ये गलत है ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाईस ये भी गलत है अब देखो या तो तुम्हें पता हो कि ये तीनों गलत है जो कि मुझे पता है <laughs> तुम्हें पता है ठीक है तो ये तो हमारे सिलेबस में है ये तीन चीजें ये तीन स्टेटमेंट सही है तो तुम उस हिसाब से भी तुक्का मार के सेकंड वाले को ठीक करके आ सकते थे बिकॉज यू क्लियरली नो दैट एंड इज रॉन्ग लेकिन पेपर है नीट का पेपर है हालत वैसे तुम्हारी खराब है जो चीज आती है उस पर वैसे ही डाउट हो रहा है जिंदगी में मैं हूं कि नहीं है ना वो सारे सारे रणबीर कपूर के गाने दिमाग में चल रहे हैं वो कंडीशन में वेन यू सी ब्रिटिश साइंटिस्ट के लिए से। इसको प्लीज जितने NCRT में उनको थोड़ा सा रीड करना मैं ये नहीं बोल रहा बोलो बट एक्टिवली रीड करना क्या होता है की थोड़ा एक सेकेंड का पॉज दे दिया इधर उधर देख के उसको दिमाग में दो बार तीन बार रिपीट कर लिया या फिर साइड में गंदे से रफ पेपर पे कर लिया दैट इज ऑल यू वॉन्ट ठीक है तो एक एक्टिव रीडिंग बोलते हैं हम उसको पैसिव रीडिंग इज मैम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो मैं पढ़ रही हूँ ठीक है बट आपको अगर कहीं ऐसा कुछ मिल जाता है तो उसको प्लीज एक्टिवली रीड करो थोड़ा सा टाइम एफर्ट डाल दो द पन स्क्वायर अच्छा पीछे तक थोड़ी सी लाइनें रह गई थी एक बार देख लेते हैं इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप इससे भी क्वेश्चन बन सकता है ऑफ द जेनेटिक क्रॉस इससे क्वेश्चन बन सकता है सेम पन स्क्वायर स्वयर पर

द सिंबल मेल दिस एंड फीमेल टू डिनोट द फीमेल एंड द मेल ऑफ द दिन रिस्पेक्टिवली आप सिंबल ऑलरेडी जानते हो ये फीमेल के लिए ये मेल के लिए ठीक है द प्लांट ऑफ जीनो टाइप कैपिटल टी स्मॉल टी एन सेल्फ पॉलिनेटेड तो इसके गेमीट्स बनेंगे ऐसे और ये बनेंगे आपके पास प्रोजेनि

also has 50% chances 50% chance of pollinating egg of genotype capital t as well as of genotype small t as a result of random fertilization the resultant zygotes will have genotype capital t capital t capital t small t and small t small T. Okay? next

चाहे उसमें कुछ भी हो इंटरनली वो कैपिटल टी कैपिटल टी भी हो सकता है स्मॉल टी स्मॉल टी भी हो सकता है इसमें कुछ नया नहीं बोल रहा बस कहानी लिख दे रहा है आपके लिए आपको क्या बता रहा है बेटा वो सिंपल यही तो बात बोल रहा है जो हमने अभी तक पढ़ी कि ये सारे के सारे टॉल हो सकते हैं और ये हमारा डू ऑफ होता है तो 3/4 विल बी 3/4 विल बी टॉल एंड 1/4 विल बी डू ऑफ

और डोमिनेंस इफेक्ट आया ये जो कैपिटल टी स्म टी के ऊपर डोमिनेंट हुआ ये जो उसके ऊपर हावी हो रहा uh, है उसका एक्सप्रेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है ठीक है ओवर दी अदर इन दहते हैं ओवर दर दैट ऑल दर टॉल सारे एफ एन टॉल आए दो दीनो टाइप इज दिस

बट फीनोटिपिक रेशियो थ्री इज टू वन एंड जीनोटिपिक रेशियो वन इज टू टू इज टू वन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रेशियो पे सीधा क्वेश्चन बन सकता है सीधा क्वेश्चन आ सकता है किस पे रेशियो पे क्लियर हो मेरे साथ या हो गए गोल नेक्स्ट टू फोर वन इज टू टू वन इज टू फोर दैट इज वन इज टू टू इज टू

वो ये कह रहा है कि जब हम गेमीट का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी जो गेमीट है वो फिफ्टी परसेंट बन रहा है क्योंकि आप एफ वन को क्रॉस करा रहे हो है ना तो होना 50 चांसेस -50 है हमारे पास द एक्सप्रेशन इज एज गिवन बिलो बेसिकली हाफ ऑफ कैपिटल टी हाफ ऑफ स्मॉल टी विल गिव यू दिस एक्सप्रेशन ठीक है सिंपल इसमें भी रेशियो मैथमेटिकली सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा है का रेशियो आ रहा है क्वेश्चन हमारे संस्कृत की मैम बोलते थे क्वेश्चन नंबर वन थे क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी टॉल ट्रू ब्रीडिंग कहने का मतलब मंजे कैपिटल टी कैपिटल टी इज क्रॉस विद्रो ऑफ ट्रू ब्रीडिंग मतलब स्मॉल टी स्मॉल टी इन दोनों को क्रॉस कराया सेल्फ इनका जो क्रॉस आएगा वो क्या आएगा बेटा कैपिटल टी स्मोल टी ये आपका एफ वन है इसकी सेल्फिंग कराओगे तो नॉर्मल मोनो हाइब्रिड क्रॉस आ रहा है एफ टू जनरेशन ठीक है वेन दन पेरेंट इज क्रॉस्ड और सेल्फ क्रॉस और सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप वर इन द रेशियो ऑफ क्या रेशियो आएगा आपके पास जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है जीनोटिपिक रेशियो क्या है ये ये नहीं लिखोगे फिनोटिपिक हैं और इन दोनों में से भी बी वाला ठीक है सी वाला तो वैसे ही गलत है ठीक है टॉल ज्यादा आएगा फिर वन इज टू टू इज वन में टॉल होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस एंड वोफ इसमें टॉल हेट्रो टॉल हेट्रो पहले नहीं बेटा पहले होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हाफ आ रहे हैं ठीक है तो ये ठीक है टॉल होमोजाइगस इज टू टॉल हेट्रोजाइगस एंड

तो टॉल ऑफ एफ टू इज कैपिटल टी कैपिटल टी बी और कैपिटल टी स्मॉल टीबी इसकी सारी जनरेशन हमेशा टॉल आएगी क्योंकि इसके पास स्मॉल है ही नहीं ठीक है इसकी सेल्फिंग कराओगे तो थ्री इज टू वन रेशियो आएगा इसकी सेल्फिंग कराओगे तो थ्री इज टू वन रेशियो आएगा थ्री टॉल वन डु ऑफ को आगे ले जाओगे वो सारे डु देगा इसमें से फिर से कैपिटल टी कैपिटल टी भी है इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी भी है इसको लेके आओगे सारे टॉल आएंगे इसको लेके जाओगे टू वन का रेशो आएगा समझ व्हाट टाइप ऑफ प्लांट यू आर टेकिंग फॉरवर्ड उस पे चले जाओगे आप फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ से ये तो क्लियर है इट इज क्लियर दैट दो द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी सिंपली लुकिंग एट द फिनो टाइप ऑफ अ डोमिनेंट्रेट आप डॉमिनेंट को देख के बता सकते हो इंटरनली क्या जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आ रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू नो दिनोटाइप को गेस कर रहे हो प्योर ब्रीडिंग में भी आप कर सकते हो बट आप किसी डोमिनंट कैरेक्टर को देख के नहीं अंदर बता सकते कि वो होमोजाइगस है कि वो हेट्रोजाइगस है ठीक है दिस इज फॉर एग्जाम्पल वेदर अ प्लांट टॉल प्लांट फ्रॉम एफ टू और एफ वन जीनो टाइप ऑफ द टॉल प्लांट टॉल तो पता है, हम होमो है, है ये जानने के लिए उसको हम क्रॉस कराते हैं तो टोल प्लांट को ऑफ टॉल प्लांट एट एफ टू क्योंकि एफ वन में हमें फिर भी पता है पेरेंट लिया एफ कैपिटल स्मोल टी वन रहा है। बट इन एफ टू ज्यादा कंफ्यूजन है कि कैसा टाइप का टॉल है मेंडल क्रॉस टॉल प्लांट्स फ्रॉम एफ टू विद ड्रॉ प्लांट दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस जब आप अननोन जीनोटाइप के प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हो तो उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस ये क्यों करा रहे हम क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारा जीनोटाइप किस तरीके का है होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस तो है In a typical test cross, an organism showing a dominant phenotype, dominant phenotype, and whose genotype is not is to be determined. आप जानना चाहते हो, phenotype उसका dominant है, लेकिन genotype आप नहीं पता, आपको आप जानना चाह रहे हो, is cross with a recessive parent instead of self crossing. Selfing कराने की जगह आप उसको recessive के साथ cross करा दो. Now, the progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism. ठीक है इसका एक एक्सपेरिमेंट ये करा उन्होंने वो बोल रहे हैं आपको नहीं पता कि जो वायलेट है ये कैसा है ये होमोजाइगस है या ये है तो आप इसको रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हो अगर आप होमोजाइगस था तो सारे वायलेट आए तो सारे डोमिनेंट आए ऑल आर होमोजाइगस डोमिनेंट ठीक है सारी प्रजानी डोमिनेंट आ रही है ऑल डोमिनेंट लेकिन अगर ये हेट्रोजाइगस था तो आपके पास स्क्वायर में एक तरफ डोमिनेंट रिसेसिव एलील और ये बना ठीक है तो आपके पास आता है पर्पल तो दिस का हाफ एंड हाफ आएगा हेट्रोजाइग था तो हाफ एंड हाफ एंड अगर होमोजाइगस था तो ऑल डोमिनेंट ओके हुआ पीछे वाले को क्या प्रॉब्लम भाई ओके okay. एक मिनट दे दो तुम ऐसा पोपट क्यों करते हो ल

नॉट बी एक्सप्लेन बाई द बेसिस ऑफ मेडल्स लॉ ऑफ डॉमिनेस अब इसमें कौन सा वाला पॉइंट नहीं एक्सप्लेन करा जा सकता control, लाइन है ठीक है एक सिंपल सा आपका लाइन है दूसरा लाइन रीड करो आउट ऑफ नाइन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डॉमिनेंट एंड दर रिसेसिव आउट ऑफ नाइन नाइन क्यों पढ़ी आउट ऑफ वन पेयर

क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो ब्लेंडिंग वाला पॉइंट क्योंकि ब्लेंडिंग वाला पॉइंट सेग्रीगेशन के टाइम पे आता है कि क्या वो कॉम्बिनेशन में जाते हैं या अलग अलग जाते हैं कैसे जाते हैं सी क्लियर देखा कैसे एनसीआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अच्छा एक चीज यहाँ पे और लिखो एनसीआरटी में नहीं है बट लिखो इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल ठीक है क्यों क्योंकि इसके एक्सेप्शन हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है हर चीज पे हम नहीं लगा सकते इसके एक्सेप्शन आपको मिलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द सेकेंड लॉ दैट वी हैव दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट पहली बात तो यहां पे लिख लो इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स ठीक है सेकेंड पॉइंट इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल आप मैक्सिमम सब जगह लगा सकते हो इस लॉ को इसमें कुछ गड़बड़ नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं ठीक है कोई एक्सेप्शन नहीं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द द फैक्ट दैट एलियंस डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग वाला पॉइंट एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन एफ टू जनरेशन ये चीज इसकी है जो तो पिछले वाले क्वेश्चन में थर्ड लाइन थी वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आती है ठीक है दो द पेरेंट्स कंटेन टू ड्यूरिंग फॉर्मेशन पेरेंट्स के पास हो सकता है कैपिटल टी टी स्मॉल हो द द फैक्टर्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गेमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स दोनों में से कोई एक मिलेगा ठीक है दोनों गेमीट में नहीं आ सकते गेमीट अपने आप में एक कैरेक्टर को लेके चलेगा दोनों नहीं ले सकता बेटा अफकोर्स पेरेंट अगर है तो सारे के सारे गेमीट कैपिटल टी कैपिटल टी है अगर तो सारे गेमीट्स में कैपिटल टी होगा स्मॉल टी स्मॉल टी है अगर तो सारे गेमीट्स में स्मॉल टी होगा लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी है तो फिफ्टी परसेंट में स्मॉल टी होगा और फिफ्टी परसेंट में कैपिटल टी होगा समझे टू <laughs> चलो ये है है ठीक आएंगे incomplete dominance, law of dominance का exception. Law of dominance कहता था कि आपका डॉमिनेट एक दूसरे सामने वाले पे पूरी तरीके से हावी हो जाता है पूरा अपना एक्सप्रेशन दिखाता है दूसरे वाले का एक्सप्रेशन देखता भी नहीं और होने भी नहीं, नहीं देता इनकम्प्लीट रेडी लेट्स गो When experiments on P were repeated using other traits in other plants, दूसरे plants में जब ये चीज़ काम करने की कोशिश करी गई, तो फिर गड़बड़ मिली, ठीक है? It was found that sometimes F1 had a phenotype that did not resemble either of the parents. F1 had a F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was between the two. दोनों से शक्ल नहीं मिलती, कुछ middle में आ गया है, ठीक है? इनहेरिटेंस ऑफ फ्लॉर कलर इन डॉग फ्लॉर स्टैप ड्रैगन और एंटीराइनमैज तीनों इसी के चीज के नाम है इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस वर्ड पे सिंपल साइंस नहीं है इंग्लिश है इनकम्प्लीट डोमिनंस डोम अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं करा पा रही है ठीक है रेड और व्हाइट सा मिक्स नहीं हुआ है हमें ऐसा लगता है कि हमने लाल में थोड़ा सा वाइट मिला दिया तो पिंक बन गया वाह 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 सो नाइस नाइस सच थिंग नो कैपिटल आर कैपिटल आर अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर पाता है क्योंकि पूरा कलर बना पाता है कैपिटल आर स्मॉल आर रेड अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करवा पा रहा इसलिए पिंक है रेड में व्हाइट नहीं मिला है इट्स नॉट मिक्सिंग ठीक है ये ब्लेंडिंग हो रहा है लेकिन क्यों क्योंकि कैपिटल आर खुद को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा पा रहा है

पिंक ठीक है कैसा ऐसा ये टेबल बना हुआ है ठीक ना वेन दी एफ वन वॉज अब एफ वन को जब सेल्फ कराया तो एफ टू का रिजल्ट आया मेरे पास वन इज टू टू इज टू वन अब वन इज टू टू इज टू वन जीनो टिपिक रेशियो आता था ठीक है फिनो टिपिक रेशियो भी सेम आया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनो एंड फिनो रेशियो इज सेम वन ियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जीनोटिपिक रेशियो तो सेम ही आया है कुछ गड़बड़ नहीं है सही है बढ़िया है चंगा वही वन इज टू टू इज टू वन का आया है बट दिनोटिपिक रेशियो है

ठीक है। नाउ एक्सप्लेन डोमिनेंस ऑफेप्टॉमिनेंस वक्टली इज डोमिनेंस क्या बात हो रही है ये क्या बार-बार बोल रहे हो क्या हो रहा है यहाँ अबाउट डोमिनेंस वाई आर एंड सम ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई डोमिनेंट है, कोई रिसेसिव है टू टैकल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डस एक जीन करता क्या है ये समझना पड़ेगा एवरी जीन एज यू नो by नाउ कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेड किसी एक ट्रेड को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी रखता है उसका इन्फॉर्मेशन रखता है इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन अ पेयर ऑफ एलील ठीक है नाउ दीज टू एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल हो सकता है डिसिमिलर हो आइडेंटिकल ना हो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस कंडीशन वन ऑफ देम मे बी ड्यू टू समरेशन दर्टिकुलर वो कह रहा है कि हो सकता है कि हमारे पास जोर है ना उसमें एक तो नॉर्मल है दूसरे में कुछ चेंज हो गया और वो चेंज क्या होता है म्यूटेशन देर हैजीन सम म्यूटेशन इन दर्टिकुलर जीन जो कि वेरियंट बना गया एक डिफरेंट वेरिएशन क्रिएट कर गया ठीक है लेट्स टेक एन ऑफ अ जीन दैट एन इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम मान लो कोई जीन है जो एंजाइम बनाना जानती है और एंजाइम बनाने का इन्फॉर्मेशन रखती है टू एलील फॉर्म्स लेट एस एज्यूम एज इन मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस जीन एक नॉर्मल है एक सीक्वेंस है वो नॉर्मल एंजाइम बना रही है दूसरी वाली जिसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है

this makes sense when we study genetic code अब कितने बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने ये टॉपिक मेरे से पढ़ा है जल्दी से कमेंट्स में चैट सेक्शन देखो एक बारी फटाफट बताओ और मेरे को कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने ये टॉपिक मुझसे पढ़ा है क्योंकि जब मुझसे पढ़ा होगा ये टॉपिक आपने तो मैं ये वाला जो पैराग्राफ है ये मैं पढ़ाती हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जेनेटिक कोड के साथ याद आया बेटा थोड़ा सा है ना अब जेनेटिक कोड के साथ पढ़ाने का लॉजिक क्या है जेनेटिक कोड में आपको पता चलता है कि कैसे मैं डीएनए में कुछ चेंज करूं तो मेरा प्रोटीन खराब बनता है एंजाइम क्या है प्रोटीन डीएनए में कैसा चेंज आए कि प्रोटीन खराब हो जाए या कैसा चेंज आए कि कोई फर्क ना पड़े सो देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन दैट वर्क नाउ इस पॉइंट पे मैं दो चैप्टर्स कंबाइन कर रही हूँ लेस एफिशिएंट या नॉर्मल एंजाइम जब तब बनता है जब ऐसी म्यूटेशन हो जब ऐसी म्यूटेशन हो जो डीएनए में हुई मुझे कोई फर्क पता नहीं चल रहा ठीक है? ऐसा चेंज आया है जिससे अल्टीमेटली वही अमाइनो एसिड लग रहा है जो लगना चाहिए था जेनेटिक कोड में ऐसा होता है कि आपके पास अलग अलग कोडॉन होते हैं जो सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं है ना एक अमाइनो एसिड बहुत सारे अलग अलग कोडॉन से बन सकता है तो इन्फॉर्मेशन में ऐसा चेंज है जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट वही है साइलेंट म्यूटेशन का रिजल्ट हो सकता है एक नॉर्मल एंजाइम एंजाइम नॉन फंक्शनल कुड बी कि ऐसा गड़बड़ हो गया कि अमाइनो एसिड कोई अजीब लग गया जिससे मेरी एक्टिव साइट खराब हो गई है समझ लो जहां पे मान लो आइलोन लगना था फिनाइल एलोन लग गया प्रोलीन लगना था हाइड्रोक्सी प्रोलिन लग गया कुछ गड़बड़ हो गई और ऐसी गड़बड़ हो गई एसिड में चेंज आ गया गलत सेंस मिस सेंस म्यूटेशन का रिजल्ट है ये म्यूटेशन कौन सा मिस सेंस म्यूटेशन एंड द लास्ट जिसमें आपके पास एंजाइम ही नहीं बनेगा इट इज सेंस म्यूटेशन नॉन सेंस म्यूटेशन कहीं पे ऐसी गड़बड़ हुई है कि एक दो तीन अमाइनो एसिड बना और फिफ्थ अमाइनो एसिड मान लो फॉर एग्जाम्पल स्टॉप म्यूटेशन हो गई स्टॉप कोडन बन गया यू ए ए हो गया पोपट है ना हो गया पोपट और ऐसे में आपका कोई प्रोटीन नहीं बनेगा कोई एंजाइम नहीं बनेगा ठीक है दिस इज वाई दिस पार्ट यू शुड स्टडी आफ्टर कंप्लीटिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो यहां पे एक बार लिख लो कि भाई भाई इसको मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद पढ़ लेना ठीक है या कोडॉन के साथ पढ़ना ये कौन सी क्लास का चैप्टर है वो माई गुड चलो क्वेश्चन देखो दो क्वेश्चन है ऑन इनकम्प्लीट डोमिनेंस फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इन एंटी और अ अ रेड फ्लावर विद व्हाइट फ्लावर एंड एफ वन जनरेशन पिंक फ्लावर वॉज ऑप्टेड वेन पिंक फ्लावर वॉज सेल्फ पिंक की सेल्फिंग कराई तो एफ टू जनरेशन शोड पिंक व्हाइट रेड एंड पिंक चूज द इन करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग डोमिनेंस जो कि काफी हद तक सही बात है बिल्कुल बढ़िया बोले हैं अंकल इससे अच्छी बात कभी बोले ही नहीं रेशियो ऑफ एफ टू इज वन इज रेड टू फोर पिंक एंड इज वन बाय फोर टू इज टू फोर बोले वन बाय फोर व्हाइट ठीक है, है। ये कर दी गलत बात, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो सब जगह अपलिकेबल है दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डॉमिनंस ये ठीक है क्योंकि इनकम्प्लीट डॉमिनंस है तो आंसर हो जाएगा सी ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंगेक्टर रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूम ठीक है अब यहाँ पे ना इट्स अ मिक्स क्वेश्चन इट्स अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे आई है इस क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगी इसको मैंने यहाँ इसलिए अलग से एक पेज पे रखा है क्योंकि इसमें आना है ठीक है अभी आगे मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उसके बाद वापस आते हैं जो मेंडेलियन क्रॉस जैसा हमने कराया है उसका वन एस टू टू इज टू वन रेशियो आता है तो किसका पार्ट होगा को हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस एंड ध्यान दो फिनोटिपिक रेशियो बोल रहा है फिनोटिपिक रेशियो अगर वन एस टू टू इस है दिखने में वन एस टू टू एस टू वन आ रहा है तो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है बेटा वो ठीक है अब यहां पर को हम आगे देखेंगे को डोमिनंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों में वन एस टू टू इस टू वन रेशियो आता है ठीक है को डोमिनंस हम नहीं लेके चलेंगे क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा इसका आंसर क्यों क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपके पास स्टिल एक जीन के दो वेरियंट हैं ऐसे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव चाहे नाम के लिए ही हो लेकिन है क्रॉस कुछ हद तक फॉलो कर रहा है को डोमिनंस में आपके पास कोई डोमिनेंट कोई रिसेसिव रहता ही नहीं है चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है लेकिन वर्ड डोमिनेंस आ तो रहा है थोड़ा एक्सप्रेशन करा रहा है आधा एक्सप्रेशन करा पा रहा है कम्प्लीट नहीं करा पा रहा है को डोमिनंस में तो दोनों बराबर के डोमिनेंट हो जाते हैं दर इज नो रिसेसिव फैक्टर लेफ्ट है ना जब कोई फैक्टर बचा ही नहीं तो वो मेंडेलियन उसमें नहीं आता वैसे तो इनकम्प्लीट भी नहीं आता बट इस क्वेश्चन के हिसाब से बेटर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ठीक है एक और चलो आगे चलते हैं ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगी एक बार याद दिला देना बाई चांस भूल जाऊं तो वैसे भूलना तो नहीं चाहिए इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड अलील पीछे मॉडिफिकेशन हुआ था चार प्रोजन बताए थे

ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज ऑफ ए नो एंजाइम रिड्यूस्ड को डॉमिनंस लेट्स गो कोडोमिन पे क्वेश्चन है बेट अब अच्छे अच्छे ब्लड ग्रुप वाले पे बहुत क्वेश्चन है तो मल्टीपेलिज्म और कोडोमिन में बढ़िया क्वेश्चन ठीक है इसका ध्यान रखना साथ साथ और मार्क करते चलना मार्क करते चलना वी विल मेक श्योर की कवर हो जाएगा ठीक है चल ओके टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग अभी तक जो क्रॉस हम डिस्कस कर रहे थे कुछ बीच में और वॉज एन इन बिटवीन दैट इज इन यही बात करिए अभी तक बट इन केस ऑफ को डोमेंस कॉम्बिनेशन को डॉमिनेंस दिन जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि आपका कैरेक्टर किसी एक को रिजेंबल करता है डोमिनेंस दोनों में से किसी को रिजेंबल नहीं करता इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों पेरेंट को रिजेंबल करता है को डोमिनेंस समझ में आई पेरेंट डोम आई आइदर ऑफ द पेरेंट्स इनकम्प्लीट को बोथ पेरेंट्स सिमिलर टू बोथ पेरेंट्स

हैव शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन वो कह रहा है रेड ब्लड सेल्स के सर्फेस पे अलग अलग पॉलीमर्स होते हैं शुगर के और वो शुगर कौन सा होगा वो ये जीन कंट्रोल करता है दी आई जीन हैज थ्री एलिन आई ए आई बी एंड स्मॉल आई मतलब इसके कितने वेरियंट्स हैं तीन वेरियंट्स हैं ए शुगर बी शुगर और नो शुगर ए शुगर लगाएगा बी शुगर लगाएगा कोई शुगर नहीं लगाएगा the alleles a and b produce a slightly different form of sugar while allele small i does not produce any sugar koi sugar nahi banata because humans are diploid organisms hamare paas do copy hain har chromosome ki each person possesses any two of these three any two of these three i gene alleles हम जब भी multiple alleles बोलते हैं population की बात करते हैं अब population has multiple alleles. ठीक है, एक इंडिविजुअल में दो ही कॉपी हो सकती है दो से ऊपर नहीं हो सकती विल एक्सप्रेस अगर आई ए और स्मॉल आई है तो ए का एक्सप्रेशन आएगा ठीक है बिकॉज आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर एंड अगर आई बी और स्मॉल आई है तो आई बी का एक्सप्रेशन आएगा लेकिन अगर एक लोकस पे आपके पास आई ए है और दूसरे पे आई बी है तो दोनों का एक्सप्रेशन आएगा टुगेदर प्रोडक्ट दे आर एक्सप्रेस टुगेदर देर ओन टाइप ऑफ शुगर दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिन तो अब ध्यान से देखो ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलियंस एक वेरियंट नहीं अलग अलग टाइप के वेरियंट्स मिलते हैं कितने तीन टाइप के वेरियंट्स मिलते हैं मल्टीपल का मल्टीपल्पल है जब हम पॉपुलेशन को देखते हैं लेकिन अगर आप एक इंसान के अंदर देखोगे तो वहां पर मेरे को पास बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ठीक है कहीं पर भी अगर ए के सामने आई आ जाता है तो ए का डोमिनेंस है बी के सामने आई आ जाता है तो बी का डोमिनेंस है लेकिन अगर ए बी आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों का इक्वल डोमिनेंस है देन इट इज ए बी दैट इज कॉल्ड ठीक है हेंस रेड ब्लड सेल्स हैविंग बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर since there are three different alleles there are six different combination of these three alleles that are possible and therefore a total of six different genotypes छह अलग combination में हमको मिल सकता है कौन से छह अलग combination है हमारे पास ये रुको ये छह ठीक है Genotype 1 2 3 4 5 एंड 6 ये ए बी रिपीटेड है बेटा सात मत कराना थोड़ा सा आंख खोल के देखना पड़ेगा ए बी ए बी रिपीटेड है दो बार ठीक है तो सिक्स जीनो टाइप्स है आपके पास इन दूव एंड हाउ मेनी आर पॉसिबल कितने फिनोटाइप पॉसिबल है चार कितने फिनोटाइप पॉसिबल है चार ए ए बी बी एंड ओ ए ए बी बी एंड ओ जो क्वेश्चन है वो ये है

एलि आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर ठीक है आपको क्या बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर ठीक है ये आ गया लाइन स्मॉल आई वाला ये डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर ठीक है एंड द जीन आई हैज थ्री एलील दिस इज ऑल्सो करेक्ट तो आंसर इसका हो जाएगा बी ठीक है अगला आप क्वेश्चन

दोनों का एक्सप्रेशन अपना अपना आएगा ठीक है so, सो डी यहां तक आया समझ को एक और क्वेश्चन देखो अच्छा को का ये वाला क्वेश्चन भी था अपना ये वाला यहां देख लो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को आंसर करके चलते हैं नहीं तो रह ही जाएगा पक्का विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप एन ह्यूम वाह आंसर ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन डोमिनेंस डोमिनंस मल्टीपल इलीन इनकंप्लीट डोमिनंस इनहेरिटेंस। पहली बात पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस वो होता है जहां पे एक से ज्यादा जीन सेम कैरेक्टर को इफेक्ट करती है ठीक है तो मैनी जीन्स हैव इफेक्ट ऑन वन कैरेक्टर वो चीज तो यहां हो नहीं रही है तो फाइव नहीं है ठीक है वन टू और थ्री कैसे आई ए और आई बी आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई तो डोमिन को डॉमिनंस में आई ए और आई बी का इक्वल डोमिनेंस है मल्टीपल एलियम क्योंकि मेरे पास तीन तरीके के हैं एक पॉपुलेशन में समझे बात बेटा है ना अब ये कितना सिंपल है अगर आप जबरदस्ती अपने आप को ये सोच के हाइप ना करो माय गॉड जेनेटिक्स ये ना करो ना खुद को अपना कॉन्फिडेंस खुद ना गिराओ कुछ भी नहीं है जरा जरा सा क्वेश्चन है और सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन है चलो इसको देखो एक और क्वेश्चन है ये वाला इन अ मैरिज बिटवीन मेल एंड मेल विद ब्लड ग्रुप ए मेल का ब्लड ग्रुप है ए एंड फीमेल विद ग्रुप बी द प्रोजेनी had आई blood ब्लड ग्रुप or B, और बी be the बी genotypes पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स वो कह रहा है बच्चों में या तो ए बी आया है या बी आया है वट वुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स अब ऐसे में आपको क्रॉस करके देखना पड़ेगा बेटा आप देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखो आई ए के साथ आई बी आता है ये आ सकता है स्मॉल आई के साथ बी आता है बी आ सकता है ए बी आ सकता है, है. है, है, है पॉसिबल है ये ठीक है अगर एक पेरेंट होमोजाइगस ए है दूसरा होमोजाइगस बी है तो यहाँ पे सिर्फ ए बी आएगा लेकिन बी नहीं आ पाएगा तो ये नहीं है इसको देखो इट कैन बी ए बी तो यहां पे ए बी कॉम्बिनेशन बन सकता है लेकिन बी नहीं बन सकता यहां ए बन रहा है यहाँ ए ब्लड ग्रुप बन सकता है ए के साथ स्मॉल आई आ सकता है ठीक है तो ये भी नहीं है अब अगला लास्ट वाला देखो ए भी बन सकता है ए भी बन रहा है ए के साथ आई आ जाएगा तो ए भी बन जाएगा बी के साथ आई आ जाएगा तो बी भी बन जाएगा और वो आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा ठीक है अब यहां पे इसके पास क्वेश्चन में क्या आ जाता है इसमें देख लो इसमें एक बार यहां पर यह भी लिख देती हूं ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है ऑप्शन ए और डी में प्रॉब्लम है फर्स्ट और लास्ट वाले में किसके साथ जाओगे उसने पूछा आपसे ए बी और बी चाहिए इट कैन आइदर बी ए बी और बी इसने कहीं ओ और ए की बात नहीं करी है सो आंसर फॉर दिस विल बी फर्स्ट अब किसी भी बच्चे के दिमाग में अगर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आता है तो बेटा पनट स्क्वायर बनाओ ये मक्खन क्वेश्चन है फिजिक्स से तो आसान ही ठीक है तो ऐसे में पन स्क्वायर बनेगा पन स्क्वायर कैसे बनता है आई ए आपने यहां लिखा स्मॉल आई आपने यहां लिखा आई बी आपने यहां लिखा स्मॉल आई आपने यहां लिखा ये ए बी ब्लड ग्रुप बनता है ये ए ब्लड ग्रुप बनता है ये बी बनता है ये ओ बनता है ठीक है यार मैंने नीचे वाले का बना रुको इसका ठीक है इसके लिए बनाओगे अगर तो इधर आई ए आएगा इधर स्मॉल आई आएगा इधर आई बी आएगा इधर आई बी आएगा दिस इज ए बी ब्लड ग्रुप दिस इज ए बी ब्लड ग्रुप दिस इज बी ब्लड ग्रुप दिस इज बी ब्लड ग्रुप समझे बात अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज पन स्क्वायर बना लो और इंडिविजुअल के लिए आपको पन स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा उसके हिसाब से आएगा जल्दबाजी और बेमतलब बेफालतू में भगे अगर ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा ऐसा आपने देखे ना क्वेश्चन के टाइप क्या है ज्यादातर क्वेश्चन थेरेटिकल आ रहे हैं लगाया मुश्किल से एक क्वेश्चन होने वाला है ऐसा नहीं होगा पेपर की पांच, की पांच से ही आगे आपको एक क्वेश्चन में टाइम लगाना है बायो के बायो में आपको 330 कराने हैं किसी भी हाल मेंंड्रेड प्लस थ्री थर्टी प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर ठीक है आराम से कर सकते हो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लो पेरेंट वे कैपिटल ए ये हस्बैंड का है और वाइफ का जीनोटाइप है ये ठीक है अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप पॉसिबल इन दोनों का ब्लड ग्रुप आई ए आई ए आई ए स्मॉल आई आई ए आई बी एंड आई बी स्मॉल आई ठीक है इसको देखें तो ब्लड ग्रुप बनता है ए इसमें भी ब्लड ग्रुप बनेगा ए इसका ब्लड ग्रुप बनेगा बी इसका ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी तो मेरे पास जीनो टाइप तो आते हैं चार सारे अलग अलग जीनो टाइप है तो डिफरेंट जीनो टाइप इसको हटा दो इसको हटा दो ये दोनों बचे. फीनो टाइप आते हैं मेरे पास तीन ये दोनों ए है दिस इज ए बी एंड दिस इज बी तो आई गेट थ्री फीनो टाइप्स समझे ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम स्पेशल पे भी सॉल्व करेंगे आज और पी क्यू ही कराऊंगी किस तरीके का क्वेश्चन है उसको सोल्व कैसे करना है सब करेंगे क्लास में ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे विद एनसीआर रीडिंग अगेन ओ हाँ नाइस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस में जिंदगी बिता दिए हैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन है एक और भी था शायद हाँ ah, तीन क्वेश्चन है भाई आ जाओ गिविंग यू टाइम क्वेश्चन वन टू सॉल्व करो सॉल्व करो जल्दी से और आंसर दो मुझको आइए फर्स्ट वाला क्या सॉल्व हुआ ओके इफ टू पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ब्लड ग्रुप है ठीक है टू पीपल विद एबी ब्लड ग्रुप

जो ए और बी दोनों टाइप के प्रोटीन आ रहे हैं ये किस चीज का एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का <laughs> इसका कोई रिलेशन ही नहीं है कोई पनच को नहीं बनाना कोई रेशो नहीं देखना सीधा एग्जाम्पल है किसका कोडोमिनेंस का कि आपको ए बी में ए और बी दोनों कैसे मिल रहा है शुगर सेकंड क्वेश्चन विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपेक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच द एफ वन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स को मिल का शकल है दोनों का एक्सप्रेशन आ रहा है कोडोमिनेंस किसी का भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा दोनों पेरेंट्स से नहीं मिलता इनकम्प्लीट किसी एक पेरेंट से शक्ल मिलती है डोमिनेंस ठीक है क्वेश्चन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लो देख रहे हो क्वेश्चन ईयर क्या चल रहा है थर्टीन थर्टीन ये किधर थे उन्नीस में आया सत्रह में आया तेरह में दो क्वेश्चन आए दस का क्वेश्चन ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन आई इट हैज थ्री एलील्स आई ए आई बी आई स्मॉल आई सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट एलील्स सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल हाउ मेनी के ना कर भाई ध्यान से देखो इसका स्क्रीनशॉट लो आंखों से और अब जाओ पीछे ये दी लाइन पूरी आखिरी लाइन उठाए और क्वेश्चन बना दिए प्यार से यही लाइन है ना आई के तीन होते हैं एंड एलियर आर टोटल ऑफ सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप इन द्यूमन एबी ऑफ ब्लड ग्रुप टाइप हाउ मेनी आर पॉसिबल ये लो सेम क्वेश्चन है एग्जैक्ट लाइन चार अच्छा यहां तो आपको पता है आपके सामने टेबल थी लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कोई पॉपुलेशन का तो आप बनाते थोड़ी बैठोगे मान लो यहाँ पे तीन देने की जगह ये चार दे दे पांच दे दे तो पौ... देखो इंडिविजुअल में आया तो स्क्वायर बनाओगे इक्वेशन में आप कुछ कुछ इक्वेशन है जो आप फॉर्मुल यूज कर सकते हो जीरो टाइप के लिए और फिनो टाइप के लिए वो तब यूज करोगे जब पॉपुलेशन में पूछा जैसे इसमें। इसमें, इसमें, इसमें इसमें ये नहीं बोला इस इंडिविजुअल का ए बी ब्लड ग्रुप है इसका ए ब्लड ग्रुप है तो ये बता दो नहीं ये आपको बोला पॉपुलेशन में देखो इतने मल्टीपल एलील्स है तो मल्टीपल एलियन फिनो टाइप के लिए फॉर्मुला है एन प्लस वन Where n ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहां तीन थे तो थ्री प्लस वन टोटल फोर फिनो टाइप आया आपके पास तो फिनो टाइप का फॉर्मुला हुआ एन प्लस वन जीनो टाइप का पॉपुलेशन में इंडिविजुअल में नहीं पॉपुलेशन में अगर मान लो आपको बोलते छह डिफरेंट एलील्स हैं, नौ डिफरेंट एलील्स हैं, तब क्या करोगे तो एन अपॉन टू इन टू एन प्लस वन अगेन एन क्या है नंबर ऑफ मल्टीपल इसको थ्री वाले में लगा के देखो थ्री बाय टू इन टू थ्री प्लस वन फोर पॉप्युलेशन में पूछा है टोटल नंबर पूछा है कितने टोटल जीनोटाइप ऑफ इीनो बन बन सकते हैं पॉपुलेशन में अगर आपके पास एक्स नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स है तो ये या एन नंबर ऑफ मल्टीपल एलियम तो ये अगर आपसे इंडिविजुअल तो आप में स्क्वायर ये ये पापा है ये मम्मी है बच्चों में क्या होगा पनच स्क्लाइज ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप ऑल्सो ऑफ मल्टीपल एलियम मल्टीपल एलियम का भी एग्जाम्पल है हाँ हमने रियलाइज कर लिया था बहुत पहले ठीक है

तो उसमें बनते हैं हमारे पास स्मॉल और स्टार्च ग्रेन ऑफ सीड जब सीड बड़ा हो जाता है capital B, capital B, का seed जो बनता 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 है And small B, small B, wrinkled बनता है है। वो बात ये है कि के पे जो जीन था स्टार्च ग्रेन का साइज डिटरमाइन कर रहा था वो कहीं से लिंक हो गया है मटर का साइज शेप राउंड बनेगा कि रिंकल्ड बनेगा तो राउंड और रिंकल पी के शेप के साथ जा रहा है सीड शेप पर चेंज इफेक्ट ला रहा है कंडीशन so तो है वो राउंड सीड्स बना रहा है तो हमको डोमिनेंट लगता है कैपिटल भी प्रॉपर डोमिन कर रहा है लेकिन जब हम स्टार्च ग्रीन पे देखते हैं ना बट द स्टार्च ग्रीन प्रोड्यूस बाई ये इज इंटरमीडिएट इन साइज कैपिटल बी स्मॉल बी मतलब बीच का साइज का स्टार्च ग्रेन बनाता है चाहे शेप उसकी राउंड ही आ रही हो बट उतनी राउंड नहीं आएगी जितनी कैपिटल बी कैपिटल बी की आएगी जितनी कैपिटल बी कैपिटल बी का राउंड शेप आएगा उतना राउंड नहीं आ पाएगा इसका ठीक है सो इफ स्टार्च स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर्ड एज द फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल द एलिल्स शो इनकंप्लीट डोमिनेंस अगर स्टार्च ग्रेन साइज की बात करी जाए तो कैपिटल भी कैपिटल भी लार्ज स्टार्च ग्रेन बना रहा है स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल स्टार्च ग्रेन बना रहा है एंड कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन बना रहा है उसके हिसाब से तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाता है दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल था फ्लार कलर इन स्नैप ड्रैगन ठीक है क्वेश्चन इसको एक बार रीड कर रही हूँ बेटा मैं, मैं पूरा दे फोर डोमिनंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन इसका क्या मतलब है ऑटोनॉमस मतलब अपने आप से कोई डोमिनेंस नहीं है कैपिटल भी वैसे दिखने में डोमिनेंट लग रहा था लेकिन पता चला, में कर रहा है. यहां है खाली कमरे में बहुत हो तुम ठीक है ओबामा बैठे कमरे में अपने चेयर पे अकेले बैठे बैठे का, का अकेला क्या dominance? अकेला क्या रिसेसिवनेस

इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिक्युलर फीनोटाइप ऑन द पर्टिक्युलर फीनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन इनकेस मोर देन वन फिनोटाइप इज इंफ्लुएंस्ड बाई द सेम जीन जब एक जीन का इफेक्ट मल्टीपल कैरेक्टर्स पे आता है उसको हम बोलते हैं क्लियोपी एक जीन का इफेक्ट अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स पे आएगा तो उसको बोलेंगे क्या क्लियो क्वेश्चन देखो ये वाला मैच मैच द द टर्म्स टर्म्स इन इन कॉलम कॉलम विद डिस्क्रिप्शन टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन डोमिनेंस, मेनी जीन गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर ये जो है ना डेफिनेशन ये पॉलीजीनिकॉलीजीनिक इनहेरिटेंस की है मेनी जीन जहां बोला मल्टीपल पॉली जीन्स ठीक है कोडोमिन इन अट्रोजाइग ऑर्गेनिज्म अगर सिर्फ एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो कोडोमिन नहीं है वो डोमिनेंस है प्लियोट्रॉपी इन अट्रोजाइगिस बोथ एलि मैच तो फॉलो है ना इसका तो आगे भी होना चाहिए तो हां अरे यार इसका आगे का नहीं है चलो मैच द फॉलोइंग बना लेंगे इन अ बोथ ऑर्गेनिज्म बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहे हैं कोडोमिनेंस ठीक है दोनों का इक्वल एक्सप्रेशन है पॉलीजेनिक आइटम्स इसके सामने जो आपका दिया हुआ है अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर्स ये प्लियोट्रॉपी इसमें और ऑप्शन होंगे नीचे वो रह गए शायद सिर्फ इसको इधर में लाओ डोमिनेंस इसका हो गया डोमिनेंस इसका हो गया और ये ठीक है ऑप्शन चूज करने के लिए नहीं है हम आगे चलेंगे तो प्लियोट्रॉपिक जीन क्वेश्चन लास्ट लाइन से निकाल के अपलियोट्रॉपिक जीन इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रिमिटिव प्लांट्स नो जीन no. other? ड्यूरिंग no. नो multiple traits नो in कंट्रोल individual? इन ठीक है वाले का आंसर क्या हो जाएगा कहाँ हो भाई हेलो यही है तुम्हारा टीचर कहने को टीचर है? आंसर दी दी

नाइन किसका है राउंड येलो है ना राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन एक कैरेक्टर देखो इफ यू लुक एट राउंड राउंड आए बारह रिंकल्ड आए चार्वज फोर विच इज नो के लिए देखो कलर के लिए देखो येलो कितने नाइन और ये तीन बारह ग्रीन वाले को देखो ये और ये थ्री और वन कितना चार फिर से रेशियो थ्री वन इंडिविजुअली जब देखते हैं तो थ्री वन ही रेशियो है ठीक है तो हमारा वही फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड में जो मोनोहाइब्रिड में मिला था कराने के बावजूद इससे निकला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट केम विद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला सेम रिजल्ट आता है चाहे दो कैरेक्टर साथ पढ़ लो तुम ठीक है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने क्या बोले इन द दाइब्रिड क्रॉस In the dihybrid cross, the phenotype round yellow, wrinkled yellow, round green, and wrinkled green appear in the ratio 9331. Such a ratio was observed for several pair of characters that Mendel studied by A ratio. The ratio of 9331 can be derived as a combination series of yellow, 3 yellow, 1 green, with 3 yellow, 3 green. So basically, 3 into 1, 3 into 1. ठीक है सॉरी थ्री वन आएगा प्लस में आएगा थ्री इज टू वन थ्री इज टू वन का आएगा ना प्लस में आ जाएगा आगे आएगा ये रहा पूरा दिया हुआ है इन्होंने इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है यार क्रॉस में ठीक है ये थ्री इज टू वन इंटू थ्री इज टू वन ठीक है थ्री इंटू वन इज टू थ्री इज टू वन थ्री और थ्री नाइन थ्री और वन थ्री वन और थ्री थ्री वन एन वन ठीक है सो so, यही रेशा आया आपके पास वापस बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस तो किसके कौन से वाले क्रॉस के बेसिस पे मोनो हाइब्रिड के बेसिस पे आपको दिया गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डाई हाइब्रिड के बेसिस पे आपको दिया गया है डाई हाइब्रिड के बेसिस पे आपको दिया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट

डेंट ऑफ दी अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर अपना इसी लाइन को सीधा लेके चलो एक आगे ठीक है कहां पे आगे इस पे बेटा ये कि कौन सा क्रोमोजोम है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनिटेंस वहां पे पीछे आपको बोला क्या बोला सेग्रीगेशन ऑफ वन पेर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर वन पेयर ऑफ कैरेक्टर वन पैर 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 वन पैर 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 अनदर पैर मेंडल अंकल क्रोमोसोम की बात कर ही नहीं सकते थे उन्होंने देखा ही नहीं कभी जिंदगी में वन पैर

ठीक है स्टेबिलिटी मेंटेन करने का एक दूसरे में घूम नहीं जाने का देर शुड बी नो डिफरेंस बट सिंस दे आर आस्किंग फॉर इट्स इट्स इसलिए स्टेटमेंट एनजीआर से ही उठाएंगे ठीक है चलो पीछे जाएंगे वापस यहां पे द स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ठीक है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द टू पेयर ऑफ जीन्स ड्यूरिंग मीओसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पोलन इन दफ वन तो यह बना आपका एग और पोलन का आपको क्रॉस बना के लिख के दे रहा है जो आप अन बनाते हो वही लिख रहे हैं क्या बोला की जो जीन का पेर है कैपिटल और स्मॉल आर फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांसेज है स्मॉल आर होगा now besides each gamete having either this or this should also have capital y small y ठीक है तो क्या हो जाना चाहिए अगर 50 50% चांस है इनके तो फर्दर इसके चांस है कैपिटल y के साथ और इसके चांस है स्मॉल y के साथ इसके चांस कैपिटल y और स्मॉल y सो द गेमिट्स दैट यू गेट आर either these or these ठीक है इनमें से कुछ भी हो सकता है द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेबर क्या हो गया मेरे अंदर मीम की तो आ गई है अंदरिगेशन ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ ये दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर जो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट जा रहे हैं वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई पर इफेक्ट नहीं लाते दोनों का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट है Therefore, 50% of the small r beer gametes have Y, small r ke capital Y 50%, small r with small y 50%, 50% capital R with capital Y and 50% with small y. Thus, there are 4 genotypes of gamete, 4 types of pollen and 4 types of eggs are produced.

पीछे इधर फिनोटिपिक रेशियो फिनो टिपिक रेशियो नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन तो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने चार चार अलग टाइप के फिनोटाइप जीनोटिपिक रेशियो जीनो टिपिक रेशियो वन इस तू टू इस तू वन टू इस तू फोर इस तू टू एंड अगेन वन इस तू टू इस तू वन कितने तीन तीन छः तीनों कितने आए ये रेशियो है और जीनोटाइप कितने हैं नाइन जीनोटाइप वाला कितने आएंगे नाइन इसमें दो चीजें ध्यान रखने की जब आप इस वाले पालेट स्क्वायर में ये जाते हो ऐसा दे आर होमोसाइगस फॉर बोथिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होमोस फॉर बोथ कैरेक्टर्स ये भी हेट्रोजाइगसाइगस फॉर बोथ इसके लिए भी हेट्रोजाइगिस कंडीशन और इसकी भी हेट्रोजाइगिस कंडीशन जब आप ऐसे जाओगे तो आपको चार मिलेंगे होमोजाइगस फॉर बोथ आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों या होमोजाइगस रिसेसिव दोनों आपको पूछ रहा है होमोजाइगस कितने आते हैं चार कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल 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 ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा आंसर कितने डिफरेंट टाइप के जीनो टाइप नाइन हाउ मेनी फिनोटाइप फोर रेशियो फिनोटिपिक नाइन थ्री थ्री वन जीनोटिपिक वन टू वन टू फोर टू वन टू वन ठीक है क्रोमोजोमल बड़ा ही प्यारी चीज प्यारी चीज क्या दो जगह ये काम हो रहा है एक जगह है, ये काम हो रहा है एक जगह है, ये काम हो रहा है अरे वा इन दोनों को पकड़ो एक नई थ्योरी दे, दे दो

ठीक है ना इट रिमेन अनरिकिल नाइन हंड्रेड फर्स्टली कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी रीजन फॉर लेट रिकोगशन इट वॉज नॉट ईजी टू कम्युनिकेट क्या पढ़ा रही हो कौन सा क्लास चल रही है ऐसा नहीं कर सकते उस टाइम एज इट इज नाउ इन डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज ज्यादा तक पहुंच नहीं पाया सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एंड फैक्टर्स जैस मेंडल ने कहा था एज स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल्ड इनटर ये सारी चीजें एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड एंड पेयर ऑफ एलियज डिड नॉट ब्लैंड ये नॉन ब्लैंड वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई हिस् कंटेंपररीज एज एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन इन नेचर देखो जो मैंडल्स एक्सपेरिमेंट है लॉ है सारे के सारे वो काफ़ी बेसिक लॉज हैं ठीक है एंड वॉट वी सी इन नेचर इज अज वेराइटी मतलब हद वेरिएशन है उस फैक्ट से डिबेट हो हो के बहुत डायरेक्शन में चीजें जाती हैं ऊपर से ये सिर्फ पाइसम में हुआ एक्सपेरिमेंट देर ऑफ प्लांट्स एंड एंड एन एन नंबर नंबर ऑफ ऑफ एनिमल्स जेनेटिक्स वर्किंग एन नंबर ऑफ वर्किंग तो इसको कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए बहुत सपोर्टिंग चीज थी हमारे पास ये वो वाली बात हो गई कि आप जो बोल रहे हो उसका कुछ कॉन्ट्रोडिक्शन है सो दैट बिकेम एन इशू कि ये बोल रहा है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये काम करता है अब बोले देख इसमें नहीं हो रहा नहीं हो रहा ठीक है ना एन नंबर ऑफ एक्सेप्शन दैट आर देयर जेनेटिक्स में भरा पड़ा है एक बहुत एक्सेप्शन लेकिन आप वो कोर नहीं भूल सकते यू कैन नॉट डिनाई जीन्स जीन्स एक यूनिवर्सल चीज है ना तो वो कोर समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सामने से सामने से कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ रहा है इसमें तो नहीं है इसमें तो नहीं है और ऊपर से बाकी सब छोड़ो बोले जीन दिखा कहां लिखा है होता है ना मेरे पास मेरी चेयर है तेरा तो नाम लिखा है हाँ कहा लिखा दिखा ये मेरी बॉटल है तेरा नाम लिखा है दिखा वो वाला गेम खेल दिया फिजिकल प्रूफ जीन्स तुम बोल रहे हो स्टेबल है ये है वो है फिजिकल प्रूफ नहीं है क्यों क्योंकि क्यों, उस क्यों, टाइम तो माइक्रोस्कोप नहीं है कुछ नहीं है क्रोमोसोम दिखा नहीं सकते कुछ हो नहीं सकता तो सारी कहानी घूम के पहुंच पहुं जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कम्युनिकेशन ईजी नहीं है ये वाला जो फंडा है स्टेबल यूनिट वाला कुछ पले नहीं पड़ रहा एंड देर टू मेनी एक्सेप्शन के नहीं समझ में आ रहा बायो को तो सारा कुछ मान लेंगे तुम्हारी बात तुम बायो मैथ चला रहे हो दिमाग खराब है ये भी उड़ा दिया ठीक है बायोलॉजिकल फिनोमिना वॉज अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ बायोलॉजिस्ट एट वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स जीन्स डिस्क्रीट ही एनी फिजिकल प्रूफ could not provide any proof of their existence okay? or say what they were made up of in 1903 scientists hugo de vries correns and shermack independently rediscovered mendel's results on the inheritance of character In paper dekha, Dasu. salute hugo de vries from holland netherlands call correns from germany and Shermach from Austria. Sara Western Europe. both must come Also, by this time, due to advancement in microscopy that we were that were taking place, scientists were able to clearly and very carefully observe cell division. This led to the discovery of structure of nucleus that appeared to double and divide just before each cell division.

अच्छा क्रोमोसोमल थेरेपी यहाँ लगा दिया मैंने वो yeah. क्योंकि यहाँ पे ही है ठीक है चलो ठीक है आते हैं इस पे आते हैं सडन एंड बोवरी नोटिस्ड और नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स अब ये बात है ये लाइन देख रहे हो ये लाइन एक इस, ऐसी लाइन है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता

सेंट्रोमेयर सेम है पोजीशनिंग ऑफ जीन सेम है वो कह रहा है होमोलोगस साइट कैपिटल टी स्मॉल टी ये इसी पॉइंट पे मिलेंगे इन्हीं दो क्रोमोसोम्स पे और कहीं नहीं मिल सकते तुम तो में मुझ में हमारे दादा दादी नाना नानी पापा मम्मी तुम्हारे आने वाले बहुत सारे बच्चे ठीक है उनके बच्चों के बच्चे जीन का लोकेशन सेम है जैसे फॉर एग्जांपल द बीटा ग्लोबिन चेन जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है वो सब में ग्यारह पे ही है तुम में मुझ में दादा परदादा, परदादा, पर, परदादा, पड़ 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 बच्चे सब ठीक है इट विल नॉट चेंज द साइट ऑफ द जीन रिमेन्स एग्जैक्टली सेम दैट इज कॉल्ड लोकस अगर चेंज हुआ तो डिसऑर्डर होगा डिसऑर्डर हुआ म्यूटेशन हुआ म्यूटेशन हुआ बच गई बैंड ठीक है वो अलग है वो एक्सेप्शन है सो होमोलोग साइड पे होमोलोग क्रोमोसोम पे होंगे जैसे जी वन फेज जी टू फेज में डुप्लीकेशन यहाँ पे S फेज में डुप्लीकेशन हो गया डीएनए का S फेज का डुप्लीकेशन हुआ है ठीक है यहाँ पे आप 2n 2c कंडीशन में थे यहाँ आप 2n 4c कंडीशन में हो गए हो हर क्रोमोसोम की दो कॉपी और एक दो तीन चार चार क्रोमैटिक्स हर क्रोमोजोम की दो कॉपी एक दो दो, दो क्रोमैटिक्स या दो क्रोमोजोम्स एनाफे के टाइम पे आनाफेज वन ये आपका कौन हो रहा है किसका सेग्रीगेशन हो रहा है? यार इसी पे हो चुका है कि कौन सा कैरेक्टर किसके साथ गया आपके साथ अगर इस पे कैपिटल आर था इसे भी कैपिटल आर था इसे मान लो स्मॉल आर है स्मॉल आर है इस पर स्मॉल वाई इस पे स्मॉल वाई है तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर जा रहा है कैपिटल वाई जा रहा है नीचे स्मॉल स्मॉल के साथ जा रहा है लेकिन अगर मान लो ग्रीन को यहां लगा दू रेड को यहां लगा दू जैसा कि दूसरा एक और कॉम्बिनेशन तो डिसाइड हो जाता है कि आपका जीन जो लास्ट में आपके पास क्रोमोसोम में होंगे वो कैसे जो आपके पास लास्ट में गेमीट में होंगे वो कैसे होंगे ठीक है तो गेमीट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड जब कहने के लिए बचे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है ठीक है सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड हो रहा है सिस्टर क्रोमैटिड कहने को क्योंकि सेग्रीगेशन आपका वो रिकॉम्बिनेशन वाला काम हो चुका है तो अब कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है सारे अलग है ठीक है एंड फाइनली द जर्म सेल्स विल हैव प्लॉइडी एन सी एन सी एन सी एन सी ये एग्जैक्टली जस्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है टू रिवाइज मियोसिस तो अगर आपके दिमाग में मियोसिस क्लियर है तो ये पकड़ लोगे फटाफट अगर ये नहीं पकड़ पा रहे हो इसका मतलब मियोसिस में थोड़ा जो है एक बार मियोसिस रिवाइज करना ठीक मतलब, है एक बार मियोसिस रिवाइज करना।, करना ये रहा बेटा देखो इफ कैपिटल आर इज योर दिस इज स्मॉल आर सपोज दिस इज कैपिटल वाई दिस इज स्मॉल वाई तो लास्ट में आके आपके ऑरेंज के साथ रेड आ रहे ठीक है, के साथ green आ रहे है। और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई आ रहा है लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ये बन जाए तो लास्ट में क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई and this is small r capital y and this is small r capital y so can you see the different type of gametes being formed <laughs> itna clear cut segregation isliye ho pa raha hai kyunki alag alag chromosome pe present hai theek hai इंडिपेंडेंट असॉटमेंट वर्क इफ द क्रोमोजोम अगर क्रोमोजोम जीन आपका दो अलग क्रोमोजोम्स पे बिल्कुल distantly placed है ठीक है

ठीक है आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 2020 का क्वेश्चन है आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का जल्दी ए है ना यह चीज ध्यान में रखना अगर स्टेटमेंट आ जाती है तो गलत नहीं है ओनली लिखा आ जाता है तो गलत है क्योंकि ओनली एनसीआरटी ने नहीं लिखा है चार ऑप्शन देखो चार में से कौन सा ज्यादा ज्यादा भयानक है उसको हटाओ ठीक है उस हिसाब से आंसर करना पड़ेगा बेस्ट आउट ऑफ फोर आइडिया ये जो प्रोसेस चल रहा था एक्सपेरिमेंटल the अरे यार पीछे के जा रहे बार, बार ये रहा. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन आंसर Experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues. Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was done by C. Morgan uncle. Hai? Okay. Now, this led to the discovery of basis of variation that sexual reproduction produces. Morgan worked with tiny fruit flies called Drosophila melanogaster. yeah. take Okay.

लिंकेज पे और तुम्हारी वैसे हालत खराब रहती है मैं बार बार रिपीट कर रही हूं कोई बच्चा कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से लगभग सेवेंटी टू एट्टी परसेंट क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं थ्योरी आराम से हम फोड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई एक क्वेश्चन आएगा शायद वो न्यूमेरिकल ना बने एक क्वेश्चन छोड़ देना अगर समझ नहीं आ रहा है और बहुत ही हालत खराब हो रही है वरना जेनेटिक्स कर लो अच्छे से डिटेल में थ्योरी सेशन देख के प्लीज डिटेल में पढ़ लो उसको फायदा हो जाएगा लेकिन अगर ठान ही लिए हो कि जेनेटिक्स नहीं पढ़ के जाऊंगा भाई कोई कुछ कर ले मेरा तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ जाना थ्योरी क्वेश्चन कर जाना उससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे एक क्वेश्चन शायद न्यूमेरिकल का आए शायद वो देखी जाएगी करेंगे ठीक है और अगर बहुत ही हालत खराब होती है तो छोड़ आना चाहे नेगेटिव मार्किंग कराने से अच्छा है छोड़ दो ओके

he observed that the two genes did not segregate independently to each other and the F1 ratio deviated very significantly bahut acche se from 9:3:3:1 जो mendel का, का रेशियो था उससे बहुत डिवेट किया और बार बार डिवेट कर रहा है ठीक है अब ऐसे में अगर हमारे जैसे लैब हो तो रिजल्ट आया यार ये मैच नहीं कर रहा मेंडल से एक काम कर मैच करा दे 9:3:3:1 नहीं आ रहा यार आता तो यही है फिर तो दे रेशो नाइन थ्री थ्री वन ऑन पेपर ठीक है वो काम साइंटिफिक लेवल पे नहीं होता है तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है क्यों आ सकता है रिजल्ट ठीक है ना नाइन थ्री थ्री वन नहीं आ रहा है एक्सेप्टेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट बिल्कुल ही मॉर्गन एंड हैज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम जो कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं वो एक्स क्रोमोजोम पे ठीक है सेम क्रोमोजोम पे पढ़ रहे हैं हम कैरेक्टर को एंड सो क्विकली दैट वेन द टू जीन्स इन अ डाई हाईब्रिड क्रॉस वॉज सिचुएटेड ऑन द सेम अगर दो जीन्स सेम क्रोमोजोम पे है द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मच हायर देन द नॉन पेरेंटल पेरेंट में जो कैरेक्टर साथ था वो ज्यादा दिखाई देता है कंपेयर टू जो पेरेंट में कॉम्बिनेशन नहीं थे जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में भी थोड़ा दिखा था हमको ये कि राउंड के साथ येलो और रिंकल्ड के साथ ग्रीन ये ज्यादा दिखाई देते हैं कंपेयर टू द अदर टू कॉम्बिनेशन थ्री टू थ्री वाले लेकिन यहाँ पे वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था पेरेंटल बिल्कुल अलग है और रिसेसिव आपका जो नया रिकॉम्बिनेंट है वो अलग है मॉर्गन एट्रीब्यूटेड फिजिकल एसोसिएशन उन्होंने बोला कि दोनों कैरेक्टर क्योंकि हम एक्सक्रोमोजोम वाले ही पढ़ रहे हैं ये पास पास प्लेस्ड हैं दर इज अ फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन दीज जीन्स एंड ही कॉल्ड दिस एज लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कन कॉइन द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ अक्रोमोजोम

आंसर विल बी बोल दे बेटा आज मॉर्गन ठीक है आंसर विल बी थॉमस हंट मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ठीक है फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन अंकल फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स मॉर्गन एंड ग्रुप ऑल्सो फाउंड से बहुत ही ज्यादा साथ साथ हैं तो लोअरिकॉम्बिनेशन वेरी लोअरिकॉम्बिनेशन वाइन अदर्स आर लूजली लिंक्ड एंड शो हाइयर रिकॉम्बिनेशन जैसे कि ना बेटा ना ये दोनों क्रॉस ए में क्रॉस बी में डिफरेंस देखो क्रॉस ए में ये लाइन खींच दो ये वाले parental है, ये वाले recombinant है है का का आ आ रहा है, इस का percentage आ रहा इसमें अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो सो रिलेशन so, क्या निकला हमारे पास अगर ज्यादा डिस्टेंस है या इधर में ये वाला distance देर इज मोर लिंकेज क्यों क्योंकि बीच में काटा पीटी करने से आपका सेल डरेगा एंड देर विल भी लेसर री कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन कम होगा ठीक है इधर डिस्टेंस ज्यादा है मोर डिस्टेंस मींस हायर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा ज्यादा काइज फॉर्मेशन हो सकता है रिकॉम्बिनेशन दैट मीनस देर विल बी लेस लिंकेज लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड रिकॉम्बिनेशन ठीक है कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस Y और W के बीच का डिस्टेंस इज 1.3 पॉइंट थ्री सेंटीमॉर्गन जितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उतना ही डिस्टेंस वाई और डब्ल्यू के बीच डब्ल्यू और एम के बीच डब्ल्यू और एम के बीच थर्टी सेवन पॉइंट टू है। अगर आपसे कोई पूछ ले वाई और एम के बीच का बिना क्रॉस करे बिना क्रॉस करे मुझे ये बता दो कि वाई बॉडी कलर ठीक है और विंग साइज मिनिएचर विंग विंग साइज और बॉडी कलर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वॉट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स एड कर दो यहां से लेके यहां तक कितना आ रहा है थर्टी एट पॉइंट फाइव ना थर्टी एट पॉइंट फाइव तो अगर हम इन दोनों जीन्स को लेके क्रॉस कराए ठीक है बॉडी साइज और विंग साइज को लेके बॉडी कलर और विंग साइज को लेके अगर मैं क्रॉस कराऊं तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लगभग थर्टी एट पॉइंट फाइव के आसपास आएगी ऐसा हम नहीं गैस मारा अब हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लेंगे ठीक है ओके फॉर एग्जाम्पल वी फाउंड द जीन्स वाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोड ओनली वन पॉइंट थ्री परसेंट रिकॉम्बिनेशन वाइल व्हाइट एंड मिनिएचर विंग शोड थर्टी सेवन पॉइंट टू परसेंट रिकॉम्बिनेशन वही स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टू एटवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं जो आपकी रिकॉम्बिनेस आए अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोचैनी ठीक है मान लो टू अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनि हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो फॉर्मुला क्या है रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी निकालने का फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इन टू हंड्रेड दैट गिव्स यू फ्रीक्वेंसी ठीक है ये इतनी बार शायद हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा तो जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा डिस्टेंस तभी काटा पीटी बीच में आटा फॉर्मेशन हो पा रहा है उतना कम लिंकेज लेकिन चाहे कुछ कर लो चाहे कुछ कर लो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पचास परसेंट कॉम्बिनेशन हमेशा ज्यादा आएगा पॉपुलेशन में चाहे कैसा ही क्रॉस हो चाहे कितना ही पास चाहे कितना ही दूर फ्रीक्वेंसी बराबर हो सकती है पेरेंटल के पेरेंटल से ऊपर नहीं जाती रिकॉम्बिनेंस की ये ध्यान रखिए, ठीक है ओके

यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोजोम रिप्रेजेंटिंग वन परसेंट क्रॉस ओवर डिस्टेंस की बात हो रही है ठीक है दिस इज स्टिल पॉसिबल पचास परसेंट जा सकते हैं ठीक है यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन्स रिप्रेजेंटिंग टेन परसेंट क्रॉस ओवर 50%. The frequency of recombination between two gene pairs. The frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes was explained by. What is he explaining? The frequency of recombination between gene pairs, recombination frequency on the same chromosome as a measure for the distance between genes was explained by.

ओके okay. क्वेश्चन ये क्वेश्चन है बस अब लास्ट दो तीन क्वेश्चन रह गए इसके बाद एंड करते हैं ये जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास यहां बचा है दिस इज समथिंग वेरी 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 आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनसीआर ठीक है लेकिन ये 2014 का एक क्वेश्चन है ज्यादा पुराना नहीं है आज क्लास में जब आप आओगे तो मैं टू जिन इंटरक्शन का एक टेबल आपको दूंगी सीधा क्वेश्चन रेशियो और एग्जाम्पल्स पे आता है टू जिन इंटरेक्शन वाला आप क्लास में आओ मैं टेबल आपको दूंगी आज तीन बजे वाली क्लास में सिर्फ वो टेबल याद कर लेना of... पढ़ाया भी हुआ है क्लास में। जो बच्चे साथ पढ़े थे उनको तो याद होगा लेकिन सिर्फ टेबल और क्वेश्चन रेशियो पे आता है फ्रूट कलर इन स्क्वॉश जहां पे ग्रीन येलो एंड व्हाइट बनता है क्या आएगा आंसर इसका शिवानी बेटा करेक्ट हो आप ठीक है क्या आएगा आंसर गुड आकाश शाबाश बेटा गुरु शाबाश डोमिनेंट डॉमिन का एग्जाम्पल है ये ठीक है दिस इज अ पार्ट ऑफ एन अगर 2014 में क्वेश्चन आया है बहुत ज्यादा दूर नहीं निकले हो ठीक है सप्लीमेंट्री मटेरियल करके आता था एक उसमें आता था तो प्लीज इसका डिटेल सेशन क्लास में देख लेना ठीक है दूसरा क्वेश्चन इन अ टेस्ट क्रॉस ये कंबाइंड क्वेश्चन है इसे मैंने लास्ट में रख दिए हैं जाने से पहले फटाफट कुछ क्वेश्चन करके जाओ इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग एफ टू हाइब्रिड एफ वन हाइब्रिड एच क्रॉस है और एफ वन हाइब्रिड है ठीक है एफ वन डाई हाइब्रिड है ठीक है एफ वन डाई हाइब्रिड ऑफ़ फ्लाइज मक्खी की बात हो रही है ठीक है मक्खी की बात हो रही है मक्खी में जब आप फ्लाइज में कराते हो टेस्ट क्रॉस तो उसमें आपको मेल के साथ क्रॉस कराना पड़ेगा फीमेल तो फीमेल नहीं क्रॉस हो सकती मक्खी में है ना तो नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग्स वर प्रोड्यूस दैन दी मोर पेरेंटल टाइप मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्विंग्स वोड्यूस दैन रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑफ स्विंग्स दिस इंडिकेट क्रोमोजोम फेल टू सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग मीओसिस ऐसा नहीं है सेग्रीगेशन बढ़िया हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है द टू जीन्स आर लिंक एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम यह पॉसिबिलिटी है दिस इज हाईली पॉसिबल बोथ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन नहीं ऐसा जरूरी नहीं है नहीं टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन द टू डिफरेंट क्रोमोस अगर वो दोनों अलग अलग पे होते तो आपके रिकॉम्बिनेंस अच्छे से आपको दिखाई देते रिकॉम्बिनेंस नहीं दिख रहे हैं आपको आंसर विल बी टू एक चीज और ध्यान रखना जब हम लिंकेज की बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज और तो नहीं है लिंकेज लिंकेज इज एन एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल डोमिनेंस यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनंस मिल गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर जगह लगता है क्योंकि सेग्रीगेशन वैसे ही होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इज अगेन नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल बिकॉज लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री द मैकेजम दैट कॉजेज मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप नाउ वॉट इज लिंकेज ग्रुप क्रोमोजोम आप हर क्रोमोजोम को एक लिंकेज ग्रुप मानते हो क्योंकि जीन्स जो एक क्रोमोजोम पे है वो कम या ज्यादा लेकिन एक दूसरे से लिंक जरूर है थोड़ी बहुत ठीक है थोड़ा सा लिंकेज है तो अगर आप एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम पे पहुंचाना चाहते हो टली होमोलोग नॉन होमोलोग क्रोमोजोम ठीक है अगर ऐसा एक्सचेंज कराना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ये बहुत हाई लेवल म्यूटेशन हो गई जहां पे आपका नॉन होमोलोग कर जाएंगे मियोसिस के टाइम पे मियोसिस के टाइम पे वन वन के साथ टू टू के साथ थ्री थ्री के साथ फोर फोर के साथ पैर करता है यहाँ मान लो नाइन और ट्वेंटी वन साथ में पैर कर गए ट्वेंटी टू साथ में पैर कर गए गलत क्रोमोजोम का पेरिंग हो जाएगा तो जीन के अंदर movement. Which of the following statement is not true for two genes that show fifty percent recombination? Not true for genes that show fifty percent recombination. Fifty percent recombination. recombination is the maximum possible recombination. Fifty percent recombination is the maximum possible recombination. Genes may be on different chromosome Which of the following statement is not true? और देखो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन है अलग क्रोमोजोम पे हो सकता है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर रहा है तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ सकता है स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ सकता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दे कैन बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम द जीन्स मे बी ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम करेक्ट द जीन्स आर टाइटली लिंक किसी भी हाल में नहीं

इसका मतलब बहुत कम लिंकेज है टाइटली लिंक नहीं हो सकता जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिल्कुल पॉसिबल इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसिंग ओवर इन एवरी मे इज पॉसिबल एक यहाँ एक यहाँ है सेम क्रोमोजोम पे भी है तो बहुत बहुत डिस्टेंस पे है देन द ऑपोजिट ऑलमोस्ट ठीक है तो पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है ये नहीं पॉसिबल किसी भी हाल में लिंकेज नहीं हो सकता ठीक है दिस इज वेयर आई एम एंडिंग टूडे सेशन जो प्रिंसिपल्स का बाकी का पार्ट है वो हम कल करेंगे तो उसके प्रीवियस ईयर में कल कराऊंगी आज तीन बजे यहां तक के ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेल्व से पहले के क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हम देखेंगे आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं वो भी समझाऊंगी आराम से धीरे धीरे उसको करते हुए हम आगे चलेंगे और आप आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो फॉर डिटेल्ड कोर्सेज मेरे दो कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं बेटा 23 के लिए भी और 24 के लिए भी कोमल लाइफ कोड आप यूज कर सकते हो और ट्वेंटी थ्री के लिए आप एनरोल कर सकते हो 23 थ्री बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 24 वाला बैच 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है दोनों के लिए आपको कोमल लाइफ कोड लगाना है देर आर सम ऑफर्स गोइंग ऑन अभी जिसको आप अवेल कर सकते हो जिसमें आप सीबीएसई और नीट के प्लस या आइकॉनिक कॉम्बिनेशन को साथ में कर सकते हो कम्बाइन ठीक है इनफैक्ट कम्बाइन होने के बाद ज्यादा सस्ता पड़ रहा है ठीक तो इसके लिए आपको जो कोड यूज करना है वो है कोमल लाइफ या आप किसी भी और बैच के लिए एनरोल कर रहे हो तो भी आप कोमल लाइव कोड यूज कर सकते हो ठीक है मेरी क्लास में तो आना ही है बट आप किसी भी और टीचर की क्लास में जाके पढ़ सकते हो आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो आप किसी भी टीचर से पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है द कोड इज़ कोमल लाइफ एंड टेस्ट सीरीज़ बारह तारीख से शुरू हो रही है ठीक है इसके एनरोलमेंट के लिए भी यू कैन यूज़ कोमल लाइफ कोड के ओ एम एल एल आई बी ई लाइव यू कैन यूज़ दिस कोड एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन टूडे अरे नया बैच शुरू हो रहा है इसके साथ साथ आप लोग नया चैनल शुरू हो रहा है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना लेकिन आज तीन बजे की क्लास में स्पेशल क्लास में वो सारे बच्चे चाहिए इतने बच्चे चाहिए क्लास में कि जेनेटिक्स का खौफ खत्म हो जाए ठीक है मैं धीरे क्वेश्चंस कराऊंगी सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है क्या नहीं है डिटेल में जाएंगे तभी फ़ायदा है क्वेश्चन करने का टिक टिक लगा के आगे भागने से किसी का फायदा नहीं होता ठीक है सो आई विल सी यू इन क्लास अगेन टुमारो वी विल कंप्लीट प्रिंसिपल्स अगर आप आज की क्लास में थे तो आप कल की क्लास में पक्का होगे गए मॉलिकुलर बेसिस हम लोग एक क्लास में कंप्लीट करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी अ मैराथॉन्स अमेजिंग सेशनस ठीक है इसके बाद इ कॉलेजी लेंगे सीधा डायरेक्टली क्योंकि इकॉलेजी के चैप्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग है और सारा थियोरी है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया ये जानना जरूरी है ठीक है तो एक बार हम जेनेटिक्स कंप्लीट करते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ एन आइटल्स कंप्लीट होता है उसके बाद वी विल स्टार्ट विद इकॉलेजी चैप्टर्स चार चैप्टर है चार चैप्टर चार दिन बहुत है वील फिन ऑफ एन फोर डेज ठीक है तो दो हफ्ते में ये खत्म फिर इलेवंथ का फिजियोलॉजी करेंगे वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल साइकिल सेल रिविजन करेंगे वी विल मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी डे इज फ्रूटफुल तो आप लोगों सब को सबको रेगुलरली आना है क्लास में बहुत बच्चों को शायद अभी भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है प्लीज स्प्रेड द वर्ड इफ यू लाइक द सेशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसके साथ साथ आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो कि व्हाट ऑल वी कैन डू जो कि आपको बेनिफिट कर सकता है इस टाइम पे And thank you so much for joining me or I needed this support and thank you for showing me the support. Take care, I will see you in class at three. Take care, bye, bye, keep rocking, and all the very best for your preparation.